रहे थे, नीचे जा रहे हैं। मुझे चलो कल देखो कल अभी हो भी, हाँ अभी भी देखो हमने अपनी कॉल रखी हुई है। अगर आप देखोगे मैं अपने ट्रेड दिखाने से कभी नहीं चूकता हूँ, भले फायदा नुकसान इस मार्केट के पार्ट है, राइट। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, फायदा नुकसान मार्केट के पार्ट है। अगर कोई आदमी आपको केवल फायदा फायदा दिखा रहा है ना, वो गलत है। सर। क्यों? एक हमने भी सर एक 18,350 की कार लिया था सर, नुकसान है क्या करें सर। नहीं अभी रखे रहो इसे, अभी रखे रहो। देखो एक कितने पे लिया है आपने 18,350 की कॉल, बताए। अरे सर बड़ा महंगा लिए थे उस टाइम सर, 90 के करीब में था सर। 90 किसका, किस चीज का? निफ्टी का सर। निफ्टी का? एक मिनट में देख लेता हूँ निफ्टी का, मैं एक मिनट निफ्टी का बता देता हूँ ये निफ्टी। अच्छा एक मिनट, निफ्टी का कितना बता रहे? 18,350 सर। 18,350 का, 350 का कॉल कब लिया था आपने और कौन से मंथ का? सर नवंबर को लिए थे तुरंत निकलने के लिए, लेकिन सर निकलने का चांस ही नहीं मिला सर। नहीं असल में पता है क्या, आप एक काम क्या करो, देखो मैंने आपको सब एक चीज बताई है। जैसे सपोज इस समय देखो, चलो इसी को बताता हूँ आपको, इसी पे थोड़ा काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो मार्केट का एक बात सोचो, अभी उस कॉल को एवरेज मत करना आप, राइट। और अभी कितने, अभी 90 पे चल रहा था, कितना है इस समय, वैल्यू क्या है अभी? 38। इस टाइम पर जो 38 करेंगे। इससे बहुत ज्यादा अभी देखो असल में बहुत नीचे आ चुका है अभी। या तो आप अगर एवरेज कर सकते हो तो एक एवरेज करके जरा सा ऊपर जाके निकल जाओ, अगर ऐसा कर सकते हो तो। इसको प्राइस एक्शन बनाने दो मार्केट को मगर अभी, राइट। चेक कर लो, क्योंकि मार्केट 300 पे जाएगा, चला जाएगा, 300 पे जाने में कोई इशू नहीं है मार्केट को, आराम से आपकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आएगी, राइट। अगर एक एवरेज कर सकते हो तो एवरेज करके थोड़ा सा ऊपर निकल जाना। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रहा है। मैंने आपको बोला 5 मिनट में मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दो। जरा पूरे सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं, सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं। मैंने भी अभी कोई ट्रेड ऐसा लिया हुआ नहीं है। देखो ये मेरा, ये अच्छा ये कॉल कब से चल रहा है बताएं, कितने दिन हो गए इस कॉल को रखे हुए मेरे को? वन ये वीक हो गया, वीक वन वीक। वीक तो हो गया, मैंने इसको हटाया तो नहीं, ऐसे ही पड़ा है ना। नुकसान भी है, नुकसान भी है, और आपको पता है लगभग मैं 9,000 रुपए इससे निकाल चुका था, राइट, फ्यूचर से। और मैंने जी बोला सर। था मेरे को नुकसान नहीं है, 9,700 के आसपास निकाल लिए थे, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं है। सच में मैं इसे छोड़े भी रहूंगा तो कोई नुकसान नहीं है। अभी ये अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा, 6 से ऊपर 14 तक ये पहुंच जाएगा कम से कम, तो मेरे को प्रॉफिट अपने आप दे देगा। ये 20 ऑप्ट के मैंने देखो होल्डिंग डाली है, कुछ छोटी छोटी आप लोगों के साथ ही डाल रहा हूं मैं। अब ये मैंने अपना चूंकि 20 ऑप्ट यहाँ पर चेक करना, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, यहां से दिखा देता हूँ, राइट। यहां से देखो मेरे पास जो 20 ऑप्ट था उसे होल्डिंग में मेरे पास देखो अभी क्या पड़े हैं, कितने है होल्डिंग में बताए, क्या क्या चीजें मेरी होल्डिंग में पड़ी है। मैंने PNB लिए थे ना, राइट, जी सर। कितने हो गए मेरे पास PNB? 600 हो गए ना, ठीक है। आप जरा समझो अब आपको करना क्या है। जब भी जो भी लोग PNB लेके बैठे हैं ऐसे मत सोचना कि बस रख लिया और हमारा काम हो गया, इसको टाइम टू टाइम बुक भी करना है, राइट। हमारा अति हाँ नुकसान इसलिए होता है कि हम बुक नहीं करते, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो इसको बुक कैसे करना है, इसको बुक कैसे करना है। अब मार्केट चलेगा, मैं पे एक मिनट PNB बता देता हूं, क्योंकि कई लोग फिर नहीं तो इसमें गड़बड़ कर बैठेंगे और नुकसान अपना कर बैठेंगे। मार्केट ऊपर जाते हुए भी कई सारे लोग नुकसान करते हैं। अब यहां पर देखो मंथ में मार्केट को अगर देखता हूं तो मार्केट देखो अपनी चाल चलेगा, देख रहे हो चाल, देख रहे हो मार्केट की मंथ की क्या हो रही है, आप अपने आप देखें। मार्केट एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट उठ रहा है, देख रहे हैं। कल 45 पॉइंट समथिंग था, आज 46 पॉइंट समथिंग। जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा ना, अभी इसके ऊपर निकलने में हो सकता है महीना ले ले मार्केट, ध्यान रखना इस बात का, हो सकता है एक ही कैंडल में निकल जाए, हो सकता है महीना ले ले पूरा। तो मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट का टारगेट ये है, और ये कितना टारगेट है, ये अराउंड आपका कितना हो गया मैं देख लेता हूं इसको, ये टारगेट मार्केट का रहेगा ये, और ये है 67, डन। तो अब आप प्लीज मेरी बात सुन लेना, जो भी PNB लेके बैठे हैं उनको एक बात का मैं एडवाइस कर रहा हूं कि इस टाइम पर जब ये मार्केट यहां पर आएगा अपना प्रॉफिट बुक करना, राइट।
मैं भी करूंगा और आप भी करना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि खाली मैं करूंगा आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको भी साथ में बोल रहा हूँ कि उस चीज को बुक करना। यहाँ पर पॉइंट को चेक करो, मार्केट यहाँ पर जाएगा तो इधर मार्केट एक सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा राइट, और फिर ऊपर चलेगा। तो जितना भी सपोज मैं बोलता हूं मेरे पास इस समय अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो आप चेक करो मेरा अपना प्रॉफिट कितना होगा, मेरा देख लेता हूं होल्डिंग में ये लगभग 240 रुपए प्रॉफिट है राइट। आप जरा समझो मार्केट, मार्केट इस समय मेरी बाइंग प्राइस क्या है, मेरी बाइंग प्राइस है 45.9 पे, 46 ही लगा लेते हैं राइट, मेरी बाइंग प्राइस है 46, ध्यान से समझना। और मेरे को कितना फायदा उस समय मार्केट दे रहा होगा देखते हैं, और मैं बुक करूंगा उससे आपके साथ ही, अभी नहीं करूंगा। 46 से और 60-70 लगा लीजिए, 46 से 70 कितने होते हैं, यस 70 और 46 कितने होते हैं बता दें, 24 तो 24 का पॉइंट मेरे चल रहे होंगे मल्टीप्लाई बाय 500 कितना हो गया मेरे को ये भी बता दे, 12,000 तो लगभग 12,000 का मेरे को ये प्रॉफिट दे रहा होगा राइट है इस पॉइंट पर। अब मेरे को कितने बुक करने हैं जरा समझना, मेरे को कितने बुक करने हैं ये। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, कितने, हाँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा बताइए यहाँ पर कितने बुक करने हैं, मेरे पास टोटल है 500, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, मेरे पास है 500, मेरे को यहाँ पर कितने बुक करने हैं 50% राइट, ध्यान डायरेक्टली 50% कितना हो गया 250 ना, 250 मैं यहाँ बुक कर डालूंगा, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, 250 मैं यहाँ बुक कर डालूंगा राइट। उसके बाद अगर गलती से मार्केट नीचे आया तो ये 250 मैं यहाँ से बाय कर लूंगा राइट, और बाय कितने करूंगा, बाय का भी सिस्टम समझ लेना, जब यहाँ पर आएगा तो मैं 250 डायरेक्ट बाय नहीं करूंगा, मैं यहाँ से बाय करूंगा 100 राइट। अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ गया तो मैं 100 यहाँ पर बाय करूंगा, और थोड़ा नीचे आ गया तो 50 यहाँ पर राइट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझ के रखना जब आप बाय करोगे। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया और इस पॉइंट से मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो मेरे कितने बचे हुए हैं 250 ना, 250 इस पॉइंट पर, पॉइंट को ध्यान से पॉइंट को चेक करते रहना, इस पॉइंट पर मतलब हो गया 100 राइट, 100 पर मैं इसके ठीक हाफ कितने हो गए 125 ना, 125 में यहां से हटा दूंगा तो इस पॉइंट पर मेरे बचे होंगे 125, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना है और उसके इधर उधर नहीं होना। अब मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा तो अगला मार्केट का टारगेट है 200 राइट है, और इस पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट मेरे कितने स्टॉक लेके चल रहा होगा 125 राइट, 125 चलने देंगे, चलने देंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं ऐड करूंगा, नहीं तो ऊपर जाते हुए एकदम ऐड नहीं करूंगा। अब मैं चलता रहा और मेरे को 125 के हिसाब से जितने भी होते हैं 100 पॉइंट मेरे को मिलते हैं, तो ये भी मेरे को 12,500 रुपए देता है राइट। तो 12,500 यहाँ पर बुक किए मैंने, कुछ आपका 8-10,000 यहाँ पर बुक किए और 12,500 ये बुक किए, तो टोटल कितने बुक करेंगे, 12,500 मैं यहाँ पर बुक करूंगा, सपोज 10,000 मैंने यहाँ पर बुक किए और यहाँ पर 12,500 यहाँ पर बुक किए, तो टोटल बुकिंग कितनी हुई मेरी 12 कितनी 24,000 24,000 10,000 34,000 टोटल मैंने 34,000 बुक किए राइट और रॉन्ग, ये पॉइंट समझ में आ गया ठीक है। अभी नहीं करेंगे इसको, पॉइंट पे आने दो, पॉइंट पे आने दो, अपने टारगेट को देखने दो इसको कि टारगेट कैसे देखता है। अगर मार्केट ऊपर चला तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट दे सकता है, इसलिए मैं अपनी होल्डिंग नहीं हटा रहा हूं, ये मैंने रखा हुआ है और टोटल मेरे पास अराउंड 600 है, 500 भी नहीं 600 है। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर, निफ्टी को जरा चेक करना, निफ्टी क्या, अच्छा ये बी सॉफ्ट भी है, इसको भी आप अपने रडार में ले सकते हैं, मैं एक मिनट दिखा देता हूं बी सॉफ्ट को भी, ये बी सॉफ्ट है, बी सॉफ्ट का पॉइंट को नोट करना, बी सॉफ्ट के लिए भी एकदम से एंट्री मत करना, सोच समझ के देख के एंट्री करना, ऐसा नहीं कि मैंने बोला आप एंट्री कर लो, ऐसा कभी मत करना ठीक है, अपने आप एनालिसिस जरूर करना। यहां से देखो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है राइट, देखें, और उसके बाद मार्केट का ये कंजेशन लेवल है, ये कंजेशन लेवल है, सपोर्ट लेवल नहीं है कंजेशन लेवल है ठीक है, दोनों लेवल में फर्क है। और इससे अच्छा, इससे अच्छा मेरे को लेवल कौन सा मिलेगा, मेरे को लेवल मिलेगा ये वाला राइट है, ऊपर से इसके बजाय मैं वेट करूंगा यहां पर, तो अगर मार्केट आपको यहां मिल जाए तो बहुत बेस्ट होगा राइट, मार्केट इस जगह मिल जाए तो बहुत बेस्ट होगा। अभी अगर मार्केट यहां से भी ऊपर चलेगा तो आप बाय कर पाओगे, लेकिन कब, जरा कब का पॉइंट देखना,
मार्केट को जरा सा और ऊपर आने दो आपके लेवल पर, मैं तो यहीं पर बाय कर लेता हूं, लेकिन आपके लेवल पर जरा से इसे ऊपर आने दो। यहां से 317 के आसपास से मार्केट बड़ा मूव देगा, लगभग 500 साढ़े 500 का बड़ा मूव दे सकता है मार्केट, राइट। इसको जरा एक दिन में चेक कर लेते हैं, एक दिन में मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आ रहा है अपने सपोर्ट पर, और मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है बताइए, ये वाला, राइट, ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है एंड वेव। ये ध्यान से पॉइंट को चेक करते हो, यही एंड वेव, ये सपोर्ट। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं आया और इसके ऊपर निकल गया तो आप बाय कर सकते हो बड़े आराम से, कोई इशू नहीं होगा। अब जरा इसको हम क्लाउड बेस पर भी देख लेते हैं कि क्लाउड बेस पर मार्केट क्या बोल रहा है। अच्छा, मैं आपको दोनों बेस दिखा देता हूं, एक मिनट। इसको अगर मैंने चेक किया, मैं एक मिनट इसकी फिबोनैची भी लगा के दिखा देता हूं। पॉइंट को समझना है, पॉइंट को काम करना है, पॉइंट को समझेंगे तो हमारे अच्छे लेवल हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ये 38 भी हटा देता हूँ, 050 रहने देते हैं और 138 ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से पकड़ा इसको और मैंने अपनी फिबोनैची लगाई यहां पर। मार्केट अभी कहां तक आ सकता है अगर आने पर आया तो? यस, लास्ट टाइम भी मार्केट 50% पे आया ना। अब जरा देखो मैं एक छोटा सा और काम कर रहा हूं, अब मैं एक छोटा सा और काम कर रहा हूं और मैं क्या दिखा रहा हूं आपको, अब मैं ले रहा हूं ये वाली पॉइंट, राइट, यहां से फिबोनैची, और ध्यान से पॉइंट को चेक करना, यहां पर देख रहे हैं? ये डे की फिबोनैची है पूरी की पूरी, यहां से शुरू हुई रैली और यहां तक गई है। अब मैं आ गया एक घंटे पर, पॉइंट को नोट करते जाना, मार्केट को कहां पर सपोर्ट लेना चाहिए बताएं। यस, मार्केट किस जगह सपोर्ट ले सकता है, या तो 50 पर या 61 पर, राइट, दो जगह सपोर्ट लेगा। और इसका जो लेवल है वो कौन सा बन रहा है, लेवल है एंड वेव का, ये वाला, राइट। अब जरा चेक करते हैं इसका मतलब क्या हुआ। अब मैं यहां पर मैं सारी चीजें लगा के दिखा रहा हूं कि सारी चीजों से कंफर्मेशन कैसे लेंगे। इसका मतलब मार्केट जो है वो यहां कहीं सपोर्ट पकड़ सकता है, राइट। अब ये सपोर्ट मेरे को क्लाउड बेस पर भी चाहिए, खाली इसी पर नहीं, ये सपोर्ट मेरे को क्लाउड बेस पर भी चाहिए। और अगर मैं यहां पर क्लाउड लगा देता हूं तो क्लाउड मेरे को क्या बोलते हैं, पॉइंट को नोट करते जाना बस, ये सारे आपके पॉइंट है। अब देखो मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है, कन्वर्जन बेस लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, और ये दोनों बाय का क्रॉसओवर दे के बैठे। यस सर, समझ गए, ये बाय का क्रॉसओवर दे के बैठे हैं और यहां पर क्लाउड भी अभी ग्रीन ही है और मार्केट अपने 50% पे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाए, राइट। लेकिन रिवर्स के लिए समझो, रिवर्स के लिए क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए कि नहीं, आइए ना पॉइंट समझिए, रिवर्स के लिए मेरी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए तब मैं इसकी बाय की सोचूंगा, अदरवाइज मैं इसकी बाय की नहीं सोचूंगा। अभी मार्केट नीचे कहां तक आ सकता है, अगर आने पर आया तो 61 तक या अपनी एन वेव तक आ सकता है ना, बताइए आ सकता है। अब हम यहां पर चेक करेंगे और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं यहां पर बी सॉफ्ट का, एक मिनट, बी सॉफ्ट का मैं फ्यूचर खोलता हूं दिसंबर वाला, राइट, ये दिसंबर का फ्यूचर चल रहा है। अब दिसंबर के फ्यूचर को आप कहां पर वो होना चाहिए बताए, सपोर्ट लेवल कहां पर बनना चाहिए इसका, जल्दी से बताएं। यस, 50 या 61 पे लगा लेते हैं, देखते हैं अभी कहां पर आएगा। अब देखो मार्केट को हमने सारा कुछ डिसीजन लेके ही अपना कुछ बाय या सेल करना है, जल्दी से नहीं करना, जल्दीबाजी मत करें। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, यहां पर जरा बताओ, यहां पर 5 मिनट में मेरे को क्रॉस ओवर मिलना चाहिए या नहीं। यस, अच्छा दूसरे तरीके से समझाता हूं, मार्केट एक घंटे, देखो टाइम फ्रेम है एक घंटे का, मार्केट एक घंटे में रिट्रेस कर रहा है ना। यस यस, कर रहा है। यस सर, इस समय 5 मिनट में मार्केट क्लाउड के नीचे आ गया होगा ना। जी सर, आ गया होगा, तो मेरे को यहाँ पर 4 नंबर की बाय मिलनी चाहिए कि नहीं। बाय का क्रॉसओवर आना चाहिए सर, आना चाहिए। तो मतलब अब मैं 5 मिनट में जाता हूं, जब तक मेरा क्रॉसओवर नहीं आएगा मैं बाय करने के लिए रेडी नहीं हूं। अब बताएं क्या मेरे को मार्केट बोल रहा है क्रॉसओवर के लिए इस समय, क्या रेडी है मार्केट? नहीं है, नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब मार्केट और गिर सकता है अभी। अब मेरे को कम से कम यहाँ पर वेट करना है और जल्दीबाजी नहीं करनी, कॉफी बनाओ
और कॉफी पियो आराम से। कॉफी पीने का टाइम है सुधीरता जी या नहीं बताए? बिल्कुल परफेक्ट। क्यों ज्योति जी, ये बिल्कुल गलती से भी ट्रेड लेने का टाइम नहीं है। हम बोल रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 5 मिनट सारा सिनेरियो मेरे को मना कर रहा है। तो आप देखो चीका उसपेन बहुत दूर है, ठीक है, उसके बाद आपका ये बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और मेरा जो क्लाउड है वो आपका स्पैन भी और स्पैन ने बिल्कुल परफेक्ट सेलिंग का कॉम्बिनेशन बना रखा है। तो मार्केट हो सकता है 61 से भी नीचे आ जाए, राइट, आ जाए नीचे, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट का सिनेरियो बन जाए। अगर मैं इसमें सपोज एक मूविंग एवरेज भी डाल देता हूं 50 वाला, जैसे आप लोग यूज करते हो, तो यहां पर मैंने 50 का मूविंग एवरेज भी डाल दिया, क्या मूविंग एवरेज पास में है? हाँ या ना? इसका मतलब इसकी बाय नहीं आने वाली, अभी नहीं आने वाली, तो मैं रुकता हूं। अगर इसकी अभी बाय नहीं आने वाली तो नीचे का सपोर्ट कौन सा है? अब जरा इस पर बात करते हैं। 1% मैंने मान लिया कि मार्केट अपनी बाय नहीं देने वाला, तो मैं यहां पर अब चलता हूं डे में, और मैं इसको कंटिन्यूस डाटा कर देते हैं यहां पर, जिससे सारा डाटा हमें दिख जाए। अब देखो जरा पॉइंट को समझना, इसको मैं हटाता हूं, इसको भी हटा दिया एक बार, इसको भी हटा दिया मैंने। अब जरा यहां पर समझो, मार्केट बाय तो देके बैठा है ना, देखो वन डे में पॉइंट समझते रहो। मार्केट देखो अगर वन डे में देखता हूं तो बाय देके बैठा है यहां पर देखो, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है बाय में ये बताएं। और देखो ये भी अच्छा जा रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो देखो ये भी स्पैन बी भी फ्लैट है और स्पैन ए देखो ऊपर चल रहा है, राइट, दिखा रहा है बाय कि बाय है, लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि मार्केट या तो यहां से सपोर्ट लेगा या फिर यहां से, राइट। अब अगर 5 मिनट में मार्केट बाय नहीं दे रहा है, अगर मार्केट यहां से बाय दे देगा तो 5 मिनट में क्रॉसओवर आ जाएगा कि नहीं? अगर देना होगा इसे बाय तो, लेकिन मेरे को ये बताएं क्या चीका उस पेन बोल रही है कि बाय आ गया? हाँ या ना? क्यों भी नहीं? आनंद जी, आनंद जी अभी तो मना कर रही है चीका उस पेन मेरे को कि भाई अभी नहीं आने वाला है बाय। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक अभी अपनी बेस लाइन तक आ जाए, मतलब बाय तो बन रही है लेकिन प्रॉपर बाय नहीं बनी अभी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बेस लाइन तक आ जाए स्टॉक, ठीक है। अब चले इसको एक्युमुलेट करना शुरू करते हैं। मार्केट आया है 282 पर, राइट, 282 पर अभी मार्केट है, और अभी हो सकता है मार्केट यहां तक आ जाए, तो ये कितना बनता है? यस, ये बनता है 277, राइट, ये मैं दिसंबर ही लगा रखा है, एक मिनट में सॉरी उसी को लगा लेता हूं जिससे मैं आपको स्टॉक भी लेके निकाल सकूं। यस, तो मेरे को कहां पर अपना ये लगाना चाहिए जरा बताएं? यस, जल्दी से बताएं किस जगह पर लगाना चाहिए, या तो, हाँ जी जल्दी से बताएं, या तो कन्वर्जन लाइन पे या बेस लाइन पर, यही दो जगह, ठीक है। अब मार्केट अभी बाय में ही बैठा है, बाय में बैठा है। चलो अब मैं चलता हूं यहां पर 5 मिनट में, और देखने की कोशिश करते हैं 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। बिल्कुल देखने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या कर रहा है। ये देखिए 20 आउट क्या करने की कोशिश कर रहा है, जरा बताएं, ध्यान से पॉइंट को चेक करते रहना, ठीक है। सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मेरे को ये बताएं क्या कोई प्राइस एक्शन बना है? चलो दूसरा पॉइंट, प्राइस एक्शन अभी नहीं बना, मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये अपनी कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन लेने जा रहा हो, ये भी तो पॉसिबल है। अब देखो चीका उस पैन नीचे है और आपका ये दोनों के डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, क्लाउड भी आपका बना हुआ है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ कहीं से रिजेक्शन दे, तो अभी भी मैं बाय के मूड में नहीं हूं। अब मेरा यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बोलता है ये भी बताए। प्राइस एक्शन ये बोलता है ये आपकी फर्स्ट वेव है, राइट, अगर मार्केट यहां से ऊपर चला तो ये सेकेंड वेव होगी, और उसके बाद थर्ड वेव डिसाइड करेगी ना कि कहां जाएगा मार्केट। इसका मतलब अभी मेरे को तसल्ली से बैठना चाहिए, ये अगर ऊपर भी जाएगा तो वापस आएगा, तो अभी मैं आराम से बैठूंगा, इसको मैं बाय करने के मूड में नहीं हूं, राइट। अब चलते हैं हम जरा दूसरे पॉइंट पर, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? निफ्टी देखते हैं, मतलब इसको मैं बाय करूंगा लेकिन मैं थोड़ा सा रुक के बाय करूंगा, और चाहे तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर आपको लगता है तो आप इस पॉइंट पर मतलब 279 पर, 279 पर अपने कुछ बाय लगा दे, राइट, जैसे सपोज 10 क्वांटिटी में लगा देता हूं 279 पर, आप लगा के छोड़े इसको, ये भी कर सकते हैं। देखो मैंने लिमिट पे लगा के छोड़ दिया,
एक और मैं लगा के यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जो मेरा पॉइंट रहेगा, और वो कौन सा पॉइंट रहेगा पता है? ये वाला, ये कितना है 275, यही है 276 है, मैं 75 लगा देता हूँ। इसको भी मैंने लगा के छोड़ दिया बाय, और 10 यहां से भी लगा दिए, थोड़े ज्यादा लगा लेते, मैंने यहां से 20 लगा दिए और 275 पे आएगा नहीं, लेकिन मैंने लगा के छोड़े, मार्केट ने स्पाइक भी मारेगा तो मेरे को मिल जाएगा। आप देखो मैंने कितने ऑर्डर मार्केट यहां से ले चुका है, देखिए जरा नीचे आके ऑर्डर देखो, ये मेरे ऑर्डर लगे हुए हैं राइट। अभी मैं चल रहा हूं आगे, ये मैंने छोड़ दिया बिल्कुल, अब इसका काम खत्म, लग चुका, नीचे मार्केट आएगा मेरा ऑर्डर ले लेगा, नहीं आया तो छूट जाएगा। इसको 5 मिनट में और देख लेंगे क्या मार्केट कोई रिएक्शन बना रहे है? ये देखो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? यस दिख रहा है, यहां से मार्केट अप, हाँ यहां से मार्केट अपना मूव कोई ले सकता है, लेकिन तब लेगा मार्केट मूव जब कोई अपनी एन वे बनाएगा, तब जाके मूव लेगा, उससे पहले मूव भी नहीं लेगा। डन, देख लिया। अब देखो दूसरा पॉइंट यहीं पर समझो, मार्केट जब कभी बाय में आता है तो कहां पर सपोर्ट लेता है? कन्वर्जन लाइन पर, देख रहे हो? ये पॉइंट को समझना, स्टॉक लेना तो बड़ा आसान है, स्टॉक तो कभी भी ले लो। यहां पर मार्केट क्या करेगा जरा बताए, इस जगह पर मार्केट जो होगा वो सबसे पहले सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और कौन सी जगह पर? यस, कौन सी जगह पर सपोर्ट लेगा? कन्वर्जन लाइन पे, देख रहे हो? मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ना आ जाए तब तो गलती से भी नहीं सोचोगे बाय करने की। अब यहां पर क्या होना चाहिए, मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया तो अब इनकी डिस्टेंस कम होनी चाहिए ना, एक दो कैंडल में मार्केट को कहां घूमना चाहिए? ये बाय का दूसरा सिनेरियो है। मार्केट अगर यहां पर आ गया है कन्वर्जन लाइन के ऊपर, इसका मतलब बाय की तरफ शायद बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है मार्केट तो इसका मतलब अब मार्केट को कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के बीच में घूमना चाहिए, यस या नो, और इस लाइन को पास में आ जाना चाहिए, और जब पास में आ जाए तो आपकी कैंडल ऊपर निकल जाएगी, तब आपका बाय बनाएगी, यस या नो, ऐसे होगा कि नहीं बताए? यस सर, यही होगा, ये रूल होना चाहिए, लेकिन अभी यहां ऐसा बन नहीं रहा है। इसका मतलब अब मैं इस कैंडल पे नजर रखूंगा 5 मिनट की, इस कैंडल पे ये कैंडल वापिस जानी चाहिए कि नहीं, पहला पॉइंट जानी चाहिए, ये ग्रीन आनी चाहिए। अगर ये ग्रीन आएगी तो मेरे को ये सपोर्ट मिलेगा मार्केट का, कि चलो कोई सपोर्ट है यहाँ पर मार्केट का, लेकिन अभी जब तक ये ग्रीन नहीं बनेगी। अब देखो ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने आपको क्या बोला था, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव और ये तीसरी वेव, इसका मतलब मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ना, नीचे ये बताए नहीं जाना चाहिए वहां से नीचे। अगर और मार्केट उसके नीचे चला गया तो आपको इसमें रह के कोई फायदा नहीं है, अभी आप आराम से अपना वर्क कर पाएंगे, दूसरा कोई काम करें इसके अंदर मत घुसे अभी, ठीक है? हम केवल पॉइंट को चेक कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या, देखिए जरा क्या कर रहा है मार्केट, क्या ऊपर चला गया? नहीं गया। इसका मतलब अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, या तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो एक आपको कम से कम 20 के मूविंग एवरेज तक का सिनेरियो बनाएगा, और अगर गलती से मार्केट अब की बार रिजेक्शन लेके, कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन लेके इसके नीचे निकला तो मार्केट एक डाउन चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिनेरियो भी क्या बोल रहा है, डाउन का ही। देखो सिनेरियो तो सारा डाउन का ही है ना, अभी या आपका है बताए? डाउन का ही है, अभी तो नहीं हुआ ना। अब इसमें अगर मैं डाउन के सिनेरियो में भी कोई सेल ढूंढना, बाय ढूंढना चाहूंगा तो कम से कम एक एनवेव तो सपोर्ट करे मेरे को, रिस्क में भी तो कोई एनवेव अभी सपोर्ट नहीं कर रही। अब सपोर्टिंग कैसे होगी, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाएगा तो इसका मूव यहां से यहां तक का हो सकता है ना, पॉइंट समझ गए, यहां तक का कोई सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अब देखते हैं मार्केट ग्रीन, इस वाली 5 मिनट की कैंडल को मार्केट को ग्रीन बनाना ही चाहिए, देख लेते हैं मार्केट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल आपके सामने ही है, देखें क्या ट्राई कर रहा है मार्केट, जैसे ग्रीन बनी तो बाय कर लो, सेल, रेड बनी तो सेल कर लो, ये नहीं करना। अभी सारा सिनेरियो बाय का है और सॉरी सेल का है, और मैं उसमें से बाय ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ,
मतलब मैं कर तो गलत ही रहा हूं, लॉजिकली मैं गलत ही कर रहा हूं, लेकिन यहां पर अगर मैं देखता हूं तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एक बाय का सिनेरियो आपका ऊपर का बना सकता है, अगर कोई एनबीए बनती है या कोई प्राइस एक्शन बनता है। लेकिन जब तक ये कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक मेरे को वेट करना चाहिए ना, ये कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए ये भी बताएं। 5 मिनट का टाइम है, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर ना, कन्वर्जन लाइन क्लोज ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने पहली मेरी क्लोजिंग कहां पर दी है इसको चेक करो, पहली क्लोजिंग ऊपर दी है, देख रहे हो, और मार्केट में कैंडल भी ऊपर ही खुली थी, तो इसको ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए कहीं पर भी, कहीं पर भी दे दे तो मैं थोड़े से बाय साइड में सोच सकता हूं एक बार, लेकिन जब तक ये ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा मैं बाय साइड में नहीं सोच सकता। पॉइंट को चेक करना, देखो क्या हुआ, कन्वर्जन लाइन बाहर निकली है, देख रहे किसका सिनेरियो बन रहा है ये बता दे, सेल का, ये तो सेल का बनना शुरू हो गया, इसका मतलब ये और नीचे आएगा अभी, राइट। अब इसको देखो नीचे आने पर, देखो नीचे चल दिया ये, अब यहां पर क्योंकि मार्केट ने प्राइस एक्शन नहीं बनाया, अब प्राइस एक्शन डाउन का तब कंफर्म हो जाएगा, ये भी बता दे, तब कंफर्म हो जाएगा ना जब इसके नीचे चलेगा तो। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें यहां पर बाय कर लेने चाहिए, क्वेश्चन देखो यहां पर आपका अपना माइंड सेट है, मैंने यहां पर 10 लगा रखे हैं, यहां पर 20 लगा रखे हैं बाय के लिए, लेकिन आप बताओ यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इस जगह पर आपको करना क्या चाहिए, मतलब यहां पर ऐसे ही पहले लगा के छोड़ देने चाहिए या फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि इसका क्रॉस ओवर आ जाए पहले और क्रॉस ओवर पे बाय करो, दोनों में से अच्छा कौन है? क्रॉस ओवर पे, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि मार्केट यहां से क्रॉस ओवर लेगा, यहां से लेगा कि यहां से लेगा, तो इसका मतलब इसका क्रॉस ओवर का वेट कर लेना चाहिए ना, कहीं पर भी आएगा मैं बाय कर लू, पॉइंट क्लियर, मर्जी है आपकी, दो में से कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने यहां पर लगा के रखे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हटाने वाला हूं, ये लगे हुए हैं मेरे पास, लेकिन मार्केट में ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि मार्केट का कम से कम यहां से नीचे आएगा ये तो ले ही जाएगा, ये ले जाने के बहुत ज्यादा चांस है, तो आप क्या करोगे इसको भी खसका के थोड़ा सा नीचे कर दो, कहीं पर नीचे आसपास कर देता हूं मैं, चलो यही कर देते हैं, ये मैंने नीचे कर दिया, ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा तो मेरे को यहां पर और यहां कर देते हैं, ये देखो ये जगह ले लेते हैं एन वेव की जगह, ये वाली यहां कर देते हैं, चलो जान लेते हैं। अब चले, अब हम वापस आते हैं, पीएनबी छोड़ देते हैं, पीएनबी हो गया, बी सॉफ्ट छोड़ देते हैं, ये अभी सेलिंग में आएगा तो अभी हम इसको नहीं लेंगे, अभी मैं आ रहा हूं निफ्टी पर, निफ्टी को जरा चेक करने की कोशिश करते हैं, निफ्टी 50 का बाय सेल का आप क्या बोलता है, क्या कोई प्राइस एक्शन बना, जरा देखें 5 मिनट में, थर्ड वे बना रहे सर, बना रहा है, अब जरा पॉइंट पॉइंट को समझते हैं ना, यहां पर मार्केट ने क्या किया, प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट की पहली वेव ये, दूसरी वेव ये, तीसरी वेव इसके नीचे नहीं आनी चाहिए ना, इसके ऊपर, अब की बार मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो आपको प्राइस एक्शन बाय का बना सकता है, ये टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट का, हालांकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो 5 मिनट को भी यूज कर सकते हो एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है, वैसे नहीं एक्सपीरियंस के बेस पर। यहां पर मार्केट देखो यहां से नीचे गिरता हुआ कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया ना, इसका मतलब मार्केट में सपोर्ट पकड़ा हुआ है कि नहीं, इस समय सपोर्ट पकड़ा हुआ है, तो मार्केट को अगर मैं थोड़े से बड़े टाइम ये ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी हटा देता हूं, चलो ये भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिए, और नीचे का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, नीचे का सपोर्ट कौन सा है मार्केट का, जहां तक अगर मार्केट गिरने ही लगेगा तो मार्केट में नीचे आ सकता है, अगर यहां पर मैं मार्केट के सपोर्ट फाइंड कर रहा हूं, ध्यान से चेक करना कैसे कर रहा हूं, ऊपर का ये रेजिस्टेंस है जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है मार्केट का जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है, अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट का ये वाला, राइट। अब पता नहीं है मैं मार्केट कहां पर है, देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कहां पर, किस जगह पर, अगर मैं चलता हूं मार्केट के साथ में तो मार्केट देखो इसी जगह पर बैठा हुआ है अप्रोक्सीमेट, और ये यहां तक एरिया है पूरा इसका, ये एरिया है, अब मार्केट उस एरिया के पास में है, अब ये दो तो हो गए इसके रेजिस्टेंस, राइट, और ये इसका सपोर्ट का काम करेगा ना इस समय,
नीचे सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस तो फिलहाल मैं हटा देता हूं, उनका कोई काम नहीं, मेरे को सपोर्ट का काम है। तो चलो अब जरा चलते हैं मार्केट का सपोर्ट। मार्केट की एक घंटे की कैंडल बाय में बनी है या सेल में, ये बताए। सेल में, सेल में। तो अभी अभी मार्केट पॉइंट को नोट करते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट है, सिली से पॉइंट है मगर अच्छे पॉइंट है, ठीक है, वो आपके काम ही आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, जो पढ़ाता वो कहीं किसी ना किसी के कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अब देखो यहां पर चेक करो, इस जगह पर मार्केट ने रेड कैंडल बनाई है मगर नीचे से क्या किया, नीचे से बताएं क्या किया मार्केट ने, बाइंग प्रेशर आ रखा है, बाय प्रेशर है। अब मेरे को ये चेक करना है, ये प्राइस सेशन सब सिखा रहा हूं मैं आपको, अब आपको ये चेक करना है मार्केट इसके नीचे तो नहीं जा रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे गए बगैर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये आपका बाय शो कर सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहो तो आप पिवोट बेस पर इसे ट्रेड करना चाहो तो पिवोट बेस पर ट्रेड कर लो, वो भी दिखा देता हूं मैं, पिवोट भी मैं बताता रहता हूं। ये देखो पिवोट कहां गए, ये है पिवोट। अब पिवोट देखते हैं मार्केट में पिवोट क्या बोल रहे हैं, जरा मेरे को बताएं मार्केट को कहां पर रुकना चाहिए पिवोट बेस पर। चलो पिवोट ट्रेडिंग ही देख लेते हैं, मार्केट में कोई ऐसा इंडिकेटर पता है क्या होता है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, स्पोर्ट्समैन वो क्या करता है, एक स्पोर्ट्स खेलता है और वो बाकी में अपने आप ही महारत हासिल कर लेता है, ये होता है, सब उसे आ जाते हैं अपने आप ही। ऐसे ही जब आप काम करना शुरू करोगे तो सारे इंडिकेटर अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। अब बताएं मार्केट को सपोर्ट कहां पर लेना चाहिए इसके हिसाब से, कोई बताए प्लीज। पिवोट के ऊपर जाना ही चाहिए ना मार्केट को, अगर पिवोट से नीचे मार्केट है अभी, इसको पहली बात तो घंटे भर में मैं इसे चलने दूंगा, चलने दो इसे मत छेड़ो। अब अगर मैं 5 मिनट में जाऊंगा तो फिर मैं कई सारी चीजें देखना शुरू कर दूंगा ना, एनबीएफ भी देखूंगा, प्राइस एक्शन भी, 10 चीजें, हो सकता है घुस भी जाऊं उसमें, हो सकता है नुकसान भी, सब होगा ना। मैं जाता ही नहीं, मैं जाता ही नहीं 5 मिनट में। अब बताओ मेरे को 1 घंटा देखना सही है कि नहीं है, बताए। मैं 5 मिनट में जाता ही नहीं, क्यों? यस सर, सही है। अब मेरे को यहां से क्या चाहिए, मेरे को यहां से ये चाहिए कि मार्केट अपने इस सपोर्ट को पकड़ ले। अगर मार्केट इस सपोर्ट को पकड़ लेगा तो मार्केट ऊपर चलेगा, अगर इस सपोर्ट को नहीं पकड़ पाएगा तो मार्केट नीचे चलेगा। और अभी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है, यस नीचे, अभी तो नीचे जा रहा है, तो अभी कोई जबरदस्ती नहीं है ना बाय करने की, है नहीं, आराम से तसल्ली से बैठे। चलो इसी चीज को जरा 5 मिनट में चेक कर लेते, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम मेरे को मना कर रहा है। अब जरा वनडे भी देख ले, क्या वनडे आपको बाय बोल रहा है या सेल बोल रहा है, ये भी बता दे। सेल, सेल, वनडे भी सेल बोल रहा है और 1 घंटा भी सेल बोल रहा है, कोई भी अभी बाय में नहीं आया। और जरा वीक को भी चेक कर ले, वीक आपको क्या बोल रहा है, वीक भी सेलिंग ही बोल रहा है, राइट। मंथ आपको क्या बोल रहा है, जरा मंथ पे भी चेक कर लेते हैं। देखो मंथ, जरा इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, इस लाइन को हटा दो, मंथ बाय में है लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अब ये बता दीजिए, डबल हो रही है ना थोड़ी सी, ठीक है, सेलर का प्रेशर बन रखा है मंथ की कैंडल में और ये इसका पॉइंट है, मतलब ये ओपन है इसका और इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर आ चुका है यहाँ पर। तो अब जरा मैं चेक करता हूँ, पास में चलता हूँ मार्केट के, तो मार्केट का इसके नीचे एक बड़ा सेल है, राइट। अगर मार्केट इसके नीचे रिवर्स करने लगा तो बड़ा सेल ले सकता है मार्केट। अब जरा वेट करते हैं कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट का मंथ का ओपन है तो सपोर्ट भी बड़ा अच्छा है और ये सपोर्ट हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं डे में देखता हूं तो शायद मेरे को ये सपोर्ट यहां भी एग्जैक्टली, देखो ये मंथ का सपोर्ट है ना, दिख रहा है जहां में लाइन डाली है, और यही मार्केट का सपोर्ट भी है बड़ा अच्छा। अब बस मेरे को ये बता दें, छोटा सा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये वाला सपोर्ट मार्केट ने तोड़ दिया अगली कैंडल में तो क्या होगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा और रेजिस्टेंस फेस करेगा ना ये। अब दूसरा पॉइंट, हाँ अब जरा दूसरा पॉइंट आपसे पूछता हूं, इसका ठीक अपोजिट पॉइंट, अपोजिट पॉइंट, मार्केट जब यहां से निकला तो मार्केट इस पे सपोर्ट लेने आया एनबीएफ पे एक बार भी नहीं आया ना, पहली बार आया है, पहली बार आया है, इसका मतलब मार्केट यहां से एक सपोर्ट उठा भी सकता है, राइट। तो यहां पर दोनों पॉइंट है मेरे पास, तो मैं दोनों एंगल से सोचूंगा, एक एंगल से नहीं। तो अगर मेरे को यहां पर बाय देखना है तो बताएं मेरी कैंडल क्या करनी चाहिए, बता दे। यस, क्या होना चाहिए कैंडल में,
ये चैनल यहाँ से इसके ऊपर सपोर्ट ले जानी चाहिए ना, हाँ या ना, ठीक है। चलिए यहाँ पर मूविंग एवरेज भी साथ में कर लेते हैं, मूविंग एवरेज के साथ में काम कर लेते हैं, वो आपने पहले भी किया हुआ है। ये मूविंग एवरेज है 50 का, अब बताएं 50 का मूविंग एवरेज मेरे को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। चलो चलते हैं, और इसमें हम मार्किंग भी एक और कर लेता हूँ, मैं ये मार्किंग कर लेता हूँ वनडे के पिवोट का, ठीक है, सॉरी एक दिन के पिवोट की, ठीक है। माइक को बंद कर ले, ठीक है। एक घंटे का पिवोट भी मेरे को अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, देख रहे सपोर्ट मेरे को नहीं मिल पा रहा है, एक घंटे का कोई सपोर्ट मेरे को फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो अभी थोड़ा वेट करेंगे, अभी मार्केट को वर्क करने दो थोड़ा सा। प्राइस सेक्शन की बात करता हूँ तो देखो मार्केट क्या प्राइस सेक्शन क्या बना रहे हैं, देखें क्या बाय में गया, यस और नो बताए। प्राइस सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट, हाँ या नो, ट्राई कर रहे हैं। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो कोई छोटा मोटा बाय आप यहां से ले पाएंगे, और कहां तक का बाय ले पाएंगे, कम से कम मूविंग एवरेज तक का कोई बाय आप ले पाएंगे, फिलहाल नहीं है, लेकिन छोटा मोटा बाय आपको कोई मिल जाएगा, चाहो तो ले भी सकते हो, मर्जी है वो आप, ठीक है। अच्छा आपके कोई स्टॉक हो तो ये बता दे, जब तक ये चल रहा है अभी टाइम लेगा ये चलने में, एकदम नहीं लेगा, एकदम प्रॉफिट नहीं लेगा। हाँ जी सर, आईओसी करना चाहिए, कौन सा आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी देख लेता हूँ एक मिनट में। आईएससी आईओसी असल में अभी फिर एक डाउन की तरफ चलेगा, थोड़ा सा और डाउन ले लेगा, राइट। अब जरा इसको देखो मार्केट असल में कर क्या रहा है, मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट को जाना ऊपर चाहिए, मगर मार्केट गड़बड़ कर रहा है, कुछ गड़बड़ क्या कर रहा है देखो, ये एनवेव है ना, पहली एनवेव देख रहे हो, ये मार्केट की दूसरी एनवेव, ये ऊपर नहीं गया ना, राइट। मार्केट को अगर मैं देखता हूं तो मार्केट एक यहां से भी अगर मैं चेक करूं इसको, देखो ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, और मार्केट को अब ऊपर चलना चाहिए, ऊपर चलने के लिए कम से कम इसका सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए ना इसे। आपने बाय किया हुआ है सेल किया हुआ है ये बताएं पहले। नहीं सर कुछ भी नहीं किया है अभी, कुछ भी नहीं किया नहीं। एक बात को पॉइंट को चेक करना कि एक गलती बता देता हूँ, गलती मत करना आप लोग, मैं भी करता था उस गलती को पर अब नहीं करता, राइट। हम लोग क्या सोचते हैं कि कम प्राइस वाला स्टॉक ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आ जाएंगे, पॉइंट को समझना, ठीक है। और वो हमारी गलती होती है बहुत बड़ी, ऐसा भी होता था कि मैं 2-2 रुपए वाले स्टॉक बाय कर लेता था, ये तो सबसे सस्ते पड़ रहे मेरे को, होता था ऐसा भी होता था कि मार्केट में मेरे को ऐसा लगता था 2-2 रुपए वाले स्टॉक जो है वो बड़े सस्ते होते हैं, मेरे को ज्यादा भी मिल जाते थे, लेकिन इनका मोमेंट कितना होता है बताए, यस मोमेंट कितना ये भी बता दे, कुछ भी नहीं होता, 0.5 ऐसा होता है, ना के बराबर 0.5 चलेंगे तो सर परसेंटेज पे ही जी सर। हाँ अब जब हम वापस आते हैं पॉइंट को समझना, अब मैंने इसकी जगह लिया 50 रुपए वाला स्टॉक, 50 रुपए वाला कितने स्टॉक मूव करेगा, 4-5 पॉइंट मुश्किल से, अगर करने भी लगा तो वैसे तो कम करेगा इससे, पर फिर भी मान लिया मैंने। अगर मैं 100 रुपए वाला स्टॉक देखूंगा तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 पॉइंट मूव करेगा पूरे दिन के, ठीक है। अगर 200 रुपए वाला स्टॉक लिया तो ये भी 10-15 पॉइंट मुश्किल से मूव करेगा, 500 रुपए वाला स्टॉक लिया तो ये 20 पॉइंट मूव कर सकता है आराम से, ठीक है। अगर मैंने 1000 रुपए वाला स्टॉक लिया तो ये 30-40 पॉइंट मूव कर सकता है दिन के, इसका मतलब मेरे को वॉलेटिलिटी कहां मिलेगी, मेरे को क्वेश्चन ये है कहां मिलेगी वॉलेटिलिटी, जहां पर मैं बाय करूंगा दिन के पैसे भी मेरे निकल जाएंगे, अब ये बताए। या तो 1000 रुपए में, लेकिन आप देखो मेरा 1000 रुपए में रिस्क है, 1000 रुपए में रिस्क है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं गया अपोजिट गया तो 30-40 पॉइंट का मेरे को लॉस हो सकता है, यस और नो, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पर वेट करूंगा मार्केट की कि मार्केट क्या करे, मार्केट मेरे को ऐसा प्राइस दे जिससे मैं आराम से काम कर सकूं, 2 रुपए मेरे लिए बहुत कम है तो मैं इस पे काम करूंगा ही नहीं,
ठीक है, इसे होल्डिंग पे डालना चाहो आप डाल लो, मगर काम करने के लायक नहीं है। 50 रुपए वाला स्टॉक 4 पॉइंट मूव करेगा, आपके 6-7 घंटे खा जाएगा ना, लेके बैठे रहोगे, काम कुछ होगा नहीं, प्रॉफिट निकलना नहीं है, तो इसका भी बेकार है। अब ये है कि 10 पॉइंट के लिए ये 100 रुपए वाला स्टॉक शायद मूव कर जाए, तो अगर ये मूव करेगा तो आप जरा पॉइंट को समझना, मेरे को अगर 500 रुपए दिन के चाहिए या 1000 रुपए चाहिए तो मेरे को इसके कितने स्टॉक बाय करने पड़ेंगे, 100 ना, तभी तो ये 10 पॉइंट में मेरे को 1000 रुपए दे सकता है। इसमें अगर मैं दिन के 1000 रुपए निकालना चाहूं तो कितने पॉइंट का मूव चाहिए मेरे को, कम से कम 20 पॉइंट का। इस पे 1000 रुपए निकालना चाहूं तो कितने पॉइंट का मूव चाहिए मेरे को, कम से कम 100 पॉइंट का। ज्यादा ज्यादा ही चाहिए, 500 पॉइंट का, राइट? नहीं, 100 स्टॉक मैंने लिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मेरे को मूवमेंट ज्यादा है ना, कम से कम कौन सा ऐसा प्राइस है जहां पर मैं आराम से बाय करके जा सकता हूं, मेरे को कुछ पॉइंट तो मिल जाएंगे, कम से कम 100 रुपए ना, राइट? इसका मतलब अगर जैसे ये देखो 20 आउट था, 20 आउट कितने का है, 280 के आसपास ना, उसमें कितना मोमेंट आपको एक दिन का मिल रहा है ये भी बता दे, कितने मोमेंट पूरे दिन का मिल रहा। अब जरा इसको पूरे दिन का मोमेंट देखो, इसी काम है आपको कोई भी कैंडल उठा लो और पूरे दिन का मोमेंट देखो, इसका पूरे दिन का मोमेंट पिछले टाइम का कितना रहा, यहां से पकड़े ये 68.75 से और ये 69.5, कितने पॉइंट पूरे दिन, 8 पॉइंट, यस और नो? उससे पहले का पकड़े, मार्केट ने यहां से पॉइंट दिया 69 से और ये गया 69.7, कितने पॉइंट, 70.70, राइट? 70 पैसे का मूवमेंट। आप बताएं क्या ये मूवमेंट के लिए मैं पूरे दिन परेशान हो सकता हूं, बताएं? नहीं सर, नहीं, ये मेरा टाइम वेस्टेज है सारा, ये मेरा टाइम वेस्टेज है। इसको इनको मैं कब ट्रेड कर सकता हूँ, इनको मैं कब ट्रेड कर सकता हूँ अगर मेरे को होल्डिंग डालनी है। पीछे का भी कोई टाइम उठा के देखो कब इसने बढ़ा, ये देखो बहुत बड़ा मूवमेंट है, इस जरा बड़े मूवमेंट को आप इसका टाइम देखिए, 66.2 और ये आपका 68, कितना हो गया मुश्किल से 2 पॉइंट, डेढ़ 2 पॉइंट, पूरे दिन के 2 पॉइंट। आप कितना प्रॉफिट इससे एक्सपेक्ट करते हैं ये बताएं, आप ही बताएं कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं इससे 2 पॉइंट में, यस? अगर आपने 10 पॉइंट भी ले लिए तो 20 रुपए, लेकिन आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, मेरे को बताएं क्यों पंकज जी, क्या मेरे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है? जी सर, टाइम खराब हो रहा है ना सर, समझ रहे मेरी बात? इतने टाइम में अगर मैं कोई और स्टॉक ले लेता हूँ जो कि वोलेटाइल है, मूव करता है, तो उसको मैं काम कर सकता हूँ। इसकी जगह देखो ऐसा स्टॉक, सपोज मैं बोलता हूँ पीएनबी, आप देखो पीएनबी ग्रो कर रहा है कि नहीं, चलो पीएनबी ग्रो कर रहा है कि नहीं, ऊपर देखें मार्केट ये ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। अब देखो 47 हो गया ना, आज ही आज में, केवल आज में कितने पॉइंट मूव किया देखो इसने, 45.6 से और आपका 47.2, आप बताएं 2 पॉइंट आज ही आज में अभी सुबह सुबह मूव कर चुका ना, और कितने रुपए का स्टॉक, 47 रुपए का। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए ना उनका मोमेंट क्या है, तो आप उससे एक दिन पहले का मोमेंट उसका जरूर चेक कर लो कितना दे रहा है, ये सब लोग बताए कर सकते हैं। ये हाँ जी, ये जो है पीएनबी एक बार वीकली में देख लो ना प्लीज, किसमें, वीकली टाइम फ्रेम में, वीकली में, मंथ में भी देख देता हूँ मैं, पीएनबी को मंथ में भी देख देता हूँ, वीक में भी देख देता हूँ। ये देखो वीक है, वीक में आपको क्या दिखा रहा है, जरा पॉइंट को चेक करो, ये देखो। हाँ, मुझे इस पर पूछना था कि ये जो लास्ट जो वीकली हाई बना है, अगर आज ये ब्रेक करता हो तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो अराउंड 70 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, ठीक है? ओके, क्योंकि ये यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये 56 से कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये अभी चलना शुरू हुआ है और ये अराउंड 70 तक बहुत धीरे धीरे चलेगा, हो सकता है आपको 2-4 दिन में ना मिले, हो सकता है महीना 2 महीना ले ले। आप देखो इसको ब्रेक करने में इसे 2 साल लगे, राइट? 2 साल, बिल्कुल। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक ही दिन में यहाँ मिलेगा, नहीं ना? नहीं,
तो ये आपका टाइम देगा। अब देखो 47.4, अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं इस समय, तो देखो मेरे को ये इसने प्रॉफिट दिया हुआ होगा, कुछ देखे ये दिया दिया, अब 47.4 है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसमें से कुछ प्रॉफिट यहां पर बुक कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल 600 है तो 47.5 पे 5 पे मैं यहां पर 100 क्वांटिटी बुक कर देता हूं, ये देखो मैंने लगा दिया, ठीक है। और थोड़ा सा अगर नीचे आएगा तो इसको और भी थोड़ा सा बुक कर लेंगे, ऊपर जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा, तो मैंने यहां पर किया 49 पे मैं कुछ और क्वांटिटी 100 और बुक कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं अपना प्रॉफिट बुक कर रहा हूं कि नहीं बताए? यस, प्रॉफिटेबल लगा दिया मैंने। अब मैंने इसमें से, मेरे पास 600 स्टॉक थे, इसमें से 200 स्टॉक निकल जाएंगे, 400 मेरे बचे रहेंगे, लेकिन मेरा कितने का प्रॉफिट आएगा? लगभग 1000 का प्रॉफिट आ जाएगा ना। हाँ, मैंने टाइम टाइम पे प्रॉफिट बुक करूंगा, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब ये कॉल भी देखो, कॉल कितनी थी, कॉल ये देखो, कॉल में देखो कि अब नुकसान हो रहा है, ये भी देख ली जरा, अब कितना नुकसान मेरे पास नजर, 3500 का नुकसान था, कितना आ गया 2400, चल रहा है। मैंने इसको छेड़ा नहीं है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, अगर आप 20 ऑफ देखोगे तो इस समय मार्केट ये ऊपर चलना शुरू कर रहा होगा, ये देखो ये अब यहां से ऊपर चलेगा, बैक मारेगा यहां से और यहां से चल देगा ऊपर की तरफ, तो ये मार्केट ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, मुझे पता है ये मार्केट यहां इसके हाफ तक आएगा कहीं तक, बस यहां तक, अगर नीचे आएगा तो आपको एक अच्छा अमाउंट यहां से वापस दे सकता है, तो ये मार्केट का एक स्ट्रेटेजी है। अब जरा यहां पर चलते हैं आगे, और मैं निफ्टी को देख रहा था, इसको छोड़ के निफ्टी को देख रहा था, अगर आएगा तो इसको पकड़ सकते हैं, निफ्टी 50 यहां पर। अब जरा बताएं निफ्टी 50 जो है इस समय यहां पर क्या कर रहा है, बताएं घंटे भर में, ये सपोर्ट ले सकता है, सेल में ही है, और क्या आपको ऐसा लग रहा है गैप कवर के लिए आ रहा है नीचे सारा? हाँ ये ना, अब यहां से इसका सपोर्ट का लास्ट, सपोर्ट का लास्ट एरिया ये है ना, यस सर, ये है सपोर्ट का लास्ट एरिया, अगर यहां से टूट जाएगा तो ये फिर गैप कवर करने आ ही जाएगा, कर तो गैप कवर ही रहा है, पर हम बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये ब्रेक करके भी नीचे ही आ जाए यहां पर ही, लेकिन अगर यहां से नीचे आ गया तो आपको एक बड़ा इशू हो जाएगा, और वो बड़ा इशू क्या है, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा सारा एरिया, इससे ऊपर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट एनवेव कैसी बन रही है जरा मार्केट की चेक कर ले, क्या एनवेव बाय की एनवेव है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां रेजिस्टेंस फेस करेगा, मजबूरी है उसकी, और ये सेलिंग मार्केट की है, ठीक है। यहां पर जरा चेक करें, यहां पर मैं 5 मिनट में देखता हूं तो मार्केट का कोई कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट बन रहा है? हाँ ये ना, एनवेव ब्रेक कर दी, एनवे ब्रेक कर चुका मार्केट, देखो मार्केट और नीचे आ जाएगा अभी तो। अभी मार्केट को हमेशा कोशिश करें कि मार्केट को अपने जो सपोर्ट एरिया है उन पे ही बाय करना है, जबरदस्ती बाय नहीं करना। मार्केट अगर नीचे आएगा तो आपको अच्छा बाय दे सकता है। अब देखो मार्केट का यहां पर एक और चीज चेक करो, 5 मिनट पे ये भी चेक करना, कभी कभी मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां तक आता है, पॉइंट को नोट करना, ये भी आपका पॉइंट काम का है, छोटे से पॉइंट है क्योंकि आप अब थोड़ी एक्सपर्टीज में जा रहे हो तो उस चीजों को काम करना है। देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट ऊपर चलता है और ऊपर चल के हमें लगता है कि ये पॉइंट को नोट करना, हमें लगता है 50% से मार्केट ऊपर चला जाएगा या 61% से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं करता। और मार्केट क्या करता है, मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट लेने आ जाता है, राइट, इस लेवल पर, और यहीं से ही उठ जाता है मार्केट, ये भी होता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक आप सेलिंग के लिए मत सोचिए, होने दे इसको ब्रेक, और ये सोचो कि मार्केट ऐसे गया, पॉइंट को नोट करना, और फिर ऐसे गया, राइट, ऐसे नीचे आया, तो ये मार्केट एक डब्लू फॉर्मेट बना देता है, देख रहे हैं, ये देखो ये दिख रहा है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिर के आ रहा है तो देखो आपका ये एक फॉर्मेट, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट क्या बना, डब्लू फॉर्मेट, यहां से मार्केट ऊपर अपनी बाय उठा लेगा, ये भी प्राइस एक्शन है। तो जब तक ये लेवल ना टूट जाए तब तक हम अपनी सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। मार्केट में लोग एकदम 50% के नीचे सेल कर लेते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप ठीक है सेल कर लो, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी
किसके नीचे जाके सेल करने की होगी, किसके नीचे? अगर मार्केट इस समय, अगर मार्केट ने यहां से ग्रीन कैंडल करके इसके ऊपर ब्रेक कर दिया तो क्या बोलेंगे, बाय आ जाएगा ना, प्राइस एक्शन बन जाएगा आपका वहीं पर प्राइस एक्शन। तो वहां पर मार्केट जो है एक नुकसान आपको कर सकता है अगर मार्केट इसके नीचे जाए। एक कैंडल क्लोज कर दे, करने दे एक कैंडल क्लोज, अगर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आप यहां पर अपना सेलिंग डाल सकते हैं इसके नीचे, तब जाके, अभी नहीं। अभी देखो मार्केट रिजेक्शन दे रहा है और इस एरिया में रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टॉक आप अपने इंट्राडे के लिए ढूंढ सकते हैं, पॉइंट को नोट करना, ऐसे स्टॉक इंट्राडे के लिए ढूंढ सकते हैं जो कि डाउन में आ रहे हैं और उसके बाद एनवे बना के यहां बैठे हैं, राइट, लोग ब्रेक करे बगैर, उनमें आप अपना बाय ढूंढ सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, यहां पर बाय ढूंढ सकते हैं अपना, ठीक है। या फिर कोई मंथ में आ रहे हैं डाउन में, मेरे को लगता है कि मंथ में मार्केट डाउन में आ रहा है, मंथ में मार्केट डाउन में आ रहा है, अब ऊपर उठा और यहां बैठा है, तो ये प्राइस एक्शन बनता है मार्केट का। जैसे ही मूव ऊपर जाएगा आप अपना बाय उठा सकते हैं। ऐसे टेकन भी आ रहा था एक स्टॉक, मैंने कई सारे स्टॉक बताए थे जो आप बाय के लिए सोच सकते थे, ठीक है। निफ्टी तो अभी जाने दीजिए, अब जरा मैं एक टेकन भी दिखा देता हूँ। टेकन भी एक अच्छा पॉइंट था बाय के लिए, अब पता नहीं मेरे को एक क्या हो रहा होगा, मैंने देखा नहीं फिर इसको, ये मैं इसको देखिए टेकन कौन से लेवल पर बैठा है जरा बताए, 61 बढ़िया बैठा है। लेकिन अब यहां पर हम जरा थोड़ा पास में चलते हैं, मैंने इसको अगर देखता हूं मैं इसको वीक में, तो आपको देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का जरा सिनेरियो समझो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को क्या करना चाहिए, देखो ये मार्केट क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए, ये एनवेव है, आप चेक करो, मार्केट ये है और मार्केट यहां बैठा है, देख रहे। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गया तो क्या होगा, एक बड़ा डाउन है दोबारा, राइट। लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, देख रहे। अगला मार्केट ने लो कौन सा बनाया जरा इसको भी चेक कर ले, अगर टेकम में ही बात करता हूं इसका एक आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना चाहिए। पहला लो ये है और दूसरा लो इसके ऊपर है, देख रहे, मतलब पहला लो 61% के नीचे था और दूसरा लो 61 के ऊपर है, राइट। और मार्केट यहां पर इतने वीक से, कितने वीक हो गए मार्केट को यहां पर जूझते हुए, मार्केट के साथ देखो 1, 2, 3, 4 और ये फिफ्थ वीक चल रहा है ना, और कर क्या रहा है मार्केट बताए, एक जगह पे बैठा हुआ है। इसका मतलब मार्केट कोई बड़ा मूव लेने वाला है, या तो ऐसा होगा कि मार्केट यहीं से सीधा शूट करेगा यहां पर, और या फिर ऐसा हो सकता है कि मार्केट सीधा शूट करके इसके नीचे निकल जाए, लेकिन बड़ा मूव मार्केट लेने वाला है यहां पर, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं यहां पर आपको क्लाउड बेसिस से दिखाता हूं तो भी मार्केट एक बड़ा मूव लेने वाला है, देख रहे हैं आप क्या करने वाला है मार्केट, बताए क्या दिखा रहा है आपको, बताए कैंडल के पास आगे सर ये जो लाइन है, कन्वर्जन लाइन, हाँ कन्वर्जन लाइन के ऊपर है मार्केट, देख रहे हो, तो सपोर्ट बना। अगर मार्केट अपनी बेस लाइन के भी ऊपर खुल गया तो क्या बोलोगे आप सर, फोर्थ नंबर के बाय आ जाएगी। और लेकिन इस समय दिक्कत है, और दिक्कत क्या है, दिक्कत बस समझनी होती है, दिक्कत यहां पर क्या है, देखो आपका जो स्पैन भी है ये फ्लैट हो रखा है ना, और स्पैन ये भी फ्लैट हो गया, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में अगर मैं चिकाऊ स्पैन बोलता हूं, ये अभी कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करने नहीं आई ना, अभी वेट करना है थोड़ा सा। तो अब अगर मार्केट ऊपर कहीं पर भी खुलेगा, कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी खुल जाए, ये आपको बाय का सीन बना देगा टेकन, तो आप तब बाय कर पाएंगे। लेकिन एक रेजिस्टेंस मार्केट को, एक पॉइंट और समझ लो यहीं पर ही, ऐसा ना हो कि गलत जगह पर आप बाय कर दो, इस बात को समझना। मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बनाया, मार्केट देखो ये ध्यान से चेक करना, ये आया और मार्केट 50% पे रेजिस्टेंस लिया, राइट, फिर नीचे, फिर मार्केट दोबारा गया 50% पे रेजिस्टेंस लेने, फिर 50% पे रेजिस्टेंस लेने, और मार्केट अब नीचे बैठा है, तो इसका रेजिस्टेंस एरिया कौन सा हुआ, 50% ना, इसका मतलब मेरे को 50% के ऊपर ही बाय करनी चाहिए, रूल ये बोलता है 1154.68, मतलब 1155 के ऊपर आप कहीं पर भी इसे बाय कर ले, सब वैलिड है, ठीक है, बाय मिल जाएगा आपको,
ये स्टॉक है, इस स्टॉक पे भी आप काम कर सकते हैं, और दिखाए तो ऑरोकॉम, ऑरोकॉम पे भी आप काम कर सकते हैं। ऑरोकॉम को जरा देख लो, इसको भी आने दो, अभी आया नहीं जगह पर, आने दो जरा। ये देखो, अगर मैं पूरा हटा देता हूं इसको पे एक मिनट के लिए, आप यहां पर पूरी इसकी रैली देखो, रैली तो ये पूरी रैली यहां से लगी हुई है और यहां तक फिबोनैची, और कौन से लेवल पर, ये क्या बोलते हैं इसको, कोरोना टाइम में 2020 में इसने कहां पर सपोर्ट लिया था, 61 पे ना डॉट, कोरोना टाइम पे 2020 का टाइम था और इसने कोरोना टाइम पे यहां पर अपने 61 पे सपोर्ट लिया था, और मार्केट 61 पे ही दोबारा आ रहा है। इसने पूरी रैली खत्म कर दी है, देखो पूरी रैली खत्म कर चुका, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट इसी जगह पर दोबारा सपोर्ट ले ले, पॉसिबल है। अगर सपोर्ट लेने लगा तो मार्केट ले सकता है यहाँ पर सपोर्ट, लेकिन इसके लिए यहाँ पर दो कंडीशन होंगी कि मेरे को पता करना होगा कि मार्केट यहाँ पर बाय में जाएगा नहीं जाएगा, तो मेरे को अपने कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है बताएं, यह तरीके ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, एनवेव, बस आप एनवेव पकड़ के रखो, एमवे पकड़ के रखो, जिस दिन भी आपको 61 लेवल के आसपास ये इसके ऊपर मिल जाए तो समझ लेना आपकी कोई बाय शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे, एक और आपका वो था, कौन सा था, डिविस लैब, हाँ यस डिविस लैब, इसको भी आप काम कर सकते हो, इनको अपने ट्रैक लिस्ट में रख लो, यहाँ पर जरा मंथ को चेक करो, डिविस लैब, डिविस लैब का फिबोनैची कहाँ से लगती है देखे, यस बता दें, कई सारे स्टॉक है जिनपे आप बड़े आराम से काम कर सकते हो, लेकिन आधी दिक्कत यह है कि मैं बता भी दूंगा ना इस स्टॉक में काम कर लो, लोग तब भी नुकसान कर लेते हैं, लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, क्यों, कई सारे लोग ऐसे, सही में बुरा मत मानिएगा, इतने टैलेंटेड होते हैं कि बताने के बाद भी नुकसान करेंगे, लेकिन इसकी एंट्री कहां से फाइंड करनी है, एंट्री यहां से देखो, मैं आपको फिबोनैची लगा के बता रहा हूं, एंट्री कब और कैसे फाइंड करनी है इसको जरा चेक करना, ये मेरे पास मार्केट में फिबोनैची है, क्या मार्केट मेरी फिबोनैची के लेवल पर आ गया, नहीं है, इसका मतलब मेरे को अभी वेट करना है, इसको जल्दी मत करो, इस स्टॉक को आने दो, तीनों में फर्क देखो, एक मैंने आपको दिखाया ये डिविस लैब, एक मैंने दिखाया आपको ऑरोफार्म, दोनों में क्या फर्क है, ऑरोफार्म जो है वो 61 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट, 50 और 61 के आसपास ट्रेड, 51 से नीचे और 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो डिविस लैब है ये अपने लेवल पर ही नहीं आया अभी, तो डिविस लैब का एक बड़ा डाउन एक एक्सपेक्टेड है मार्केट का, मार्केट यहां पर रिजेक्शन ले रहा है, तो एक बड़ा डाउन एक्सपेक्टेड है, वो 50 तक या 61 तक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनमें आप अपना बाय ढूंढ सकते हो, लेकिन यहां पर आपको तरीका क्या चाहिए होगा, कोई बताएगा, यस यहां पर तरीका क्या चाहिए, मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया, अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस कौन सा है बताए, फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस कौन सा बन रहा है, जल्दी से कोई बताए कौन सा रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, ये वाला ग्रीन कैंडल की विक सर, अभी तो यही है ना करंट, तो और घंटे भर का रेजिस्टेंस है, कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी नहीं है मार्केट में, आपको पता है अगर मार्केट इसके ऊपर खुल गया तो यहां तक का बाय मार्केट आपको आराम से दे सकता है, राइट, ये दे सकता है मार्केट आपको, तो आप चेक करेंगे कि मार्केट वहां पर क्या देता है हमें, राइट। अब चलते हैं आगे, ये आपका हुआ, चलो वापस निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी पे वापस चलते हैं, मैं केवल आपको स्टॉक के लेने का तरीका बता रहा हूं, तरीका कैसे होगा, आप जरा यहां पर देखें, क्या आपको एक बाइंग मिल गई, जरा चेक करें, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसे तोड़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहा है नीचे, हाँ या ना, हाँ, मतलब देखो पहला मार्केट में नीचे आया, बायर का सपोर्ट है, फिर दोबारा से मार्केट नीचे आया, इसे तोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब मार्केट का यहां कुछ गड़बड़ है, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे चेक कर सकते हैं। यहां पर आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को देखते हो तो मार्केट का लो ये बनाता, राइट, और इस सपोर्ट ये देखो मैं दोबारा से बनाया, तो मैंने बनाया था मगर हिला दिया इसे, पॉइंट को चेक करो, यहां पर मार्केट का ये एक सपोर्ट एरिया था यहां पर, और मार्केट को मैंने क्या किया, इधर ये सपोर्ट एरिया मार्क किया, और मार्केट उसके ऊपर नहीं जा रहा है, सॉरी नीचे नहीं आ रहा है,
तो ये सपोर्ट एरिया मार्केट का थोड़ा सा काम का है हमारे, देखते हैं क्या होगा, हमें भी नहीं पता। अब अगर मार्केट, आप जरा पॉइंट को समझना, अब अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को लेके इसके ऊपर निकल गया तो क्या होगा बताएं? यस ये भी बता दें, बाय होगी, बाय होगी। हम केवल, हम तो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता मार्केट क्या करेगा, हम तो ना जानते, हम तो केवल बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वहां से मार्केट अपना कोई बाय उठा सकता है। हम केवल प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, हमने नहीं बोला कि यहाँ से मार्केट बाय उठा ही लेगा, होगा अच्छा सब, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन बस हम बोल रहे हैं मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ने अभी लो नहीं ब्रेक किया। अब मेरे को किसका वेट करना चाहिए निफ्टी में बताए, निफ्टी में किस चीज का, इसके ऊपर ना, और अगर वो ब्रेक कर गया तो अभी भी बता दें बाय आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर देखो जल्दी हमारी क्या है, मैं आपको देखो कितने टाइम में आपको पता है मैं ट्रेड उठा लेता हूं ना, यस सर, इतने टाइम में मैं ट्रेड उठा लेता हूं ना, देखो कोई ट्रेड इसके अलावा उठाया नहीं ना मैंने जो पहले था, इतने टाइम में मैं बाय करके निकल जाता हूँ, इतनी देर थोड़ा करता हूँ, लेकिन मैं तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक मेरे को एक सही सा सिनेरियो ना मिल जाए मेरा प्राइस एक्शन। मार्केट का ये डाउन है, मार्केट हो सकता है बीच में इसके 50% से डाउन ले ले, ऐसे हो सकता है ना, पॉसिबल है, तो मार्केट के एक एनवे आपकी बननी चाहिए, यहां पर ही बननी चाहिए, मतलब ऐसे बने और एक डाउन आ जाए और ऐसे ब्रेक कर जाए तो मिल ले अच्छा रहेगा, तब मैं कोई बाय के लिए सोच पाऊंगा। देखें यहां पर बाय सेलर क्या बोल रहे हैं जरा बता दिए अभी, क्या जल्दी से बताएं बाय सेलर क्या बोल रहे हैं यहां पर, कौन बताएगा निफ्टी के फ्यूचर के बाय सेलर क्या बोल रहे हैं? क्या वक्त बताने को तैयार नहीं है सर? इक्वल है दोनों सर, दोनों इक्वल है, कितने चल रहे हैं इस समय, 1.22 और 1.29 दिसंबर फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं, राइट, 1.22 और 1.29 मतलब आसपास ही चल रहे हैं, राइट। अब जरा बताओ मार्केट ने क्या अपना प्राइस एक्शन बनाने, अब अच्छा एक किसी को और यही पर चेक कर लो, मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ना, मार्केट देखो इस पॉइंट को बनाना शुरू करो, ये सब आपके काम के रहते हैं, मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट को, मार्केट में आप नीचे यहां पर आ रहे हो तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस दोबारा से ले सकता है ना मार्केट, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है कि नहीं? यस बाय आ सकती है, इसके ऊपर अगर चलेगा मार्केट तब अपनी बाय आप डाल लो एक बार को, तब चलेगा, तब कोई इशू नहीं है आपको बाय डालने में, चाहे कॉल लो चाहे आप उस समय पे, और जैसे आप बोल रहे हो कि भाई मेरा भी 90 पे लिया था और इस समय 37 चल रहा है, राइट, तो लॉस चल रहा है ना, लॉस चल रहा है नवंबर वाला, उस केस में मार्केट अगर यहां से ऊपर निकलेगा तो आप अपनी कॉल को एक एवरेजिंग कर सकते हो, जिससे मार्केट ऊपर जाएगा तो बीच में कहीं पर निकल जाना, लेकिन जब तक इसके ऊपर ना जाए तो एवरेजिंग करके फायदा नहीं, पता लगा यहां से बाय किया और मार्केट फिर नीचे चलने लगा तो फिर आपको एक बड़ा लॉस मार्केट दे सकता है, राइट। मार्केट की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज बहुत सारी, भाई चाहे वो बुल कॉल स्प्रेड है, ठीक है, चाहे वो बियर कॉल स्प्रेड है, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज के साथ में काम कर सकते हैं। इसी जगह पर अगर आप यहां पर देखते हो, ठीक है, अच्छा पीएनबी का हमारा 100 क्वांटिटी निकल गई, राइट, पीएनबी की हमारी 100 क्वांटिटी निकल गई सर, इसका रेजिस्टेंस बताएंगे, मुझे भी निकालना है, किसका, पीएनबी का, पीएनबी का आप ऊपर कोई भी लेवल आप लगा के छोड़ दें इसको, बड़ा अच्छा लेवल मिल जाएगा आपको, तो अभी अभी कितने पर चल रहा है, 46 पर, राइट, 47 पे सर, 47.5 अगर अगर प्रॉफिट है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले इसको आराम से, क्योंकि सर वीक का 48 पे वो रेजिस्टेंस आ रहा है,
नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये भाग जाएगा ऊपर, भाग जाएगा। आप अगर प्रॉफिट में है तो थोड़ा बहुत देखो, मैंने भी कर लिया होगा प्रॉफिट बुक, अगर दिखाऊं तो ये देखो मेरा भी प्रॉफिट बुक हुआ होगा। देखो आप देखो मेरा ये निफ्टी फ्यूचर बाय के लिए देखो ऑर्डर लगा हुआ है ना, मेरी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर सही पोजिशन में जाएगा तो देखो रेडी रहता है पूरा हमेशा। चलिए अब चलो इसको देखते हैं, अभी गया नहीं है बाय में, गया नहीं है अभी। और अगर मैं इसको देखूं कहां गया, ये यहां पर देखो, यहां पर क्या होल्डिंग में कितने रुपए का प्रॉफिट दे रहा है जरा बताएं, ये 775। और इसमें भी मैंने इसको बुक 100 देखो बुक हो गए, होल्डिंग में से 100 अपने आप निकल गए, और कितने पर निकले 47.50 पे निकल गए। अगर मैं पीएनबी को यहां पर देखता हूं दोबारा से, एक बार दोबारा से देखते हैं तो पीएनबी बताएं अब की बार किस मूड में है। बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, डे में, डे में आपको बाय के मूड में दिखा रहा है या सेल के मूड में है जरा बताएं, बाय मूड है। अच्छा मार्केट दोबारा में तो कहां पर बाय करना है ये दिख रहा है, मार्केट अगर यहां तक आएगा अराउंड की ये आता है मेरा अप्रोक्सीमेटली 40, तो 40 पे मैं दोबारा बाय करने का इसे सोचूंगा। लेकिन अब एक बात और भी करना कि अगर बाय चांस आज मैंने 100 निकाल दिए हैं और मैं यहां से 100 बाय कर लेता हूं तो क्या होगा बताएं, आज ही मैं आज नहीं कर पाऊंगा इसे बाय, अगर आज बाय करूंगा तो क्या होगा कोई बता सकता है प्लीज सर? ये पेनल्टी लगा देते हैं सर, कुछ ऐसा देखा था मैंने। पेनल्टी नहीं, सबसे बड़ी पेनल्टी क्यों लगती है ये बता देता हूं मैं आपको, कि आज आपने 100 निकाल दिए, 100 निकाल दिए और मैं बोलता हूं सपोज आपका 46 पर बाय था, ये पीएनबी 46 पर बाय था और 100 आपने यहां से निकाल चुके, और आप दोबारा से 100 बाय करोगे ना, दोबारा से 100 बाय करोगे तो जो आपकी होल्डिंग है ना, जो आपके निकाले हुए हैं वही वापस चले जाएंगे, समझ रहे? ये एक इशू होता है, तो इसलिए सेम डे पर बाय ना करें। अगर आपने निकाल दिए हैं तो सेम डे पर बाय मत करना, कल करना सर। दूसरे अकाउंट से, तो दूसरे अकाउंट से बाय कर सकते हैं? दूसरे अकाउंट से कर लो, दूसरे अकाउंट से कर लो, इस अकाउंट से मत करना, इस अकाउंट से आपको इशू हो जाएगा। ठीक है, बस वो ध्यान रखना, बाकी तो कोई इशू नहीं है, बाकी तो चलते रहेंगे। अच्छा वापिस आते हैं, देखो मार्केट क्या कर रहा है। यस वापिस आ जाते हैं, मार्केट क्या कर रहा है बताएं जरा। वापस हम निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी पे काम कर रहे थे, निफ्टी पर यहाँ पर चलते हैं निफ्टी पर। क्या निफ्टी ने अपना प्राइस एक्शन बनाया, हाँ या ना, ये देखें जरा, चल दिया मार्केट, यस क्या दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है मार्केट देखें जरा, चेक करते रहे। अभी इसमें इस पूरे सिनेरियो में क्या गलती है, गलती भी बता दे साथ साथ। Yes, गलती पहले ढूंढा करें, गलती ढूंढना बहुत जरूरी है। यस जरा गलती ढूंढ ले, चीकू स्पैन दूर है, दूर है थोड़ा भी चीकू स्पैन। हाँ जी चीकू स्पैन भी दूर है और बेसलाइन भी दूर है, चीकू स्पैन भी दूर है और बेसलाइन भी दूर है, दोनों ही दूर है, राइट? मतलब अभी हम वेट कर सकते हैं, सही बोल रहे हो, वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो क्या होगा, अब ये भी बता दें, सब पॉसिबिलिटीज चेक करते रहते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो मेरे को डायरेक्ट बाय करनी है या कोई एनवे देखनी है या कुछ और देखना है, ये भी बता दें। एनवे देखनी चाहिए सर हमें, वो आपकी मर्जी है। देखो यहां पर अगर आप भाई शांति प्रिय आदमी हो, है ना, शांति प्रिय आदमी हो तो फिर आप वेट करोगे एनवे का। अगर थोड़े एग्रेसिव आदमी हो तो आप डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो कि मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ रहा है। लेकिन यहां पर सिनेरियो क्या बन रहा है, 5 मिनट में क्या क्लाउड मेरे को बोल रहा है कि बाय हो रहा है, हाँ या ना? अभी नहीं सर, अभी तो नहीं बोल रहा है, अभी नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पर वेट कर सकता हूं थोड़ा सा। मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा 1%, मैंने बोला कि मार्केट इसके ऊपर चला गया, ऊपर जाने पर ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन, ये अभी क्रॉस ओवर करने के लिए नीचे आएगी कि नहीं आएगी, आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वेट भी कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट भी कर सकता हूँ कि हाँ चलो वेट कर लेंगे, मार्केट का प्राइस एक्शन बनेगा तो हम इसके हिसाब से काम करेंगे।
इसका मतलब इसका पहला टारगेट कौन सा हुआ? अगर मार्केट यहां से चलेगा तो ये तो इसका पहला टारगेट है ना। देखते हैं कौन सा टारगेट इसका, ये मिल रहा है 18186, 10 पॉइंट ऊपर इसका टारगेट मिलेगा, राइट? मार्केट का 10 पॉइंट ऊपर यहां पर टारगेट मिल सकता है। मैं एक मिनट इसको चलिए अभी देखते हैं इसको कि ऐसी जगह पर, ऐसी जगह पर चीकू स्पैन क्या करेगी ये भी बता दे। चीकू स्पैन अभी दूर है ना, दूर है। यस, दूर है। अब मार्केट में हमने दो पॉइंट ऑब्जर्व किए यहां पर, और पहला पॉइंट ऑब्जर्व क्या किया है कि मार्केट ने हमने दो ब्रेक नहीं किया, सिर्फ डबल टॉप फॉर्मेट बनाया, डबल बॉटम फॉर्मेट मार्केट ने बनाया है, और वो मार्केट अभी ब्रेक करने को रेडी नहीं हो रहा है। तो मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट अपना साइडवेज बना ले, मतलब ये साइडवेज की फॉर्मेट में काम करने लगे मार्केट, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि एक ही कैंडल ब्रेकआउट कर दे ऊपर, ऊपर जाके क्लोज कर दे। तो अब आपको ऐसा लगता है कि मेरे को एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग तो कम से कम चाहिए ब्रेकआउट के लिए, एक कैंडल कम से कम ऊपर क्लोज होनी चाहिए, क्या आपको लगता है ऐसे? हाँ या ना? अब जरा और भी पॉइंट चेक कर लेते हैं, अब और भी पॉइंट चेक कर लेते हैं कि इसका बाय कब बन सकता है। जरा देख लेते हैं बाय कब बन सकता है। ये आपको दिख रही है इस समय चीकू स्पैन, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल पे बात करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब अराउंड आधे घंटे बाद इसकी एक अच्छी बाय आपको मिल सकती है। ये पॉसिबल है कि शायद आधे घंटे बाद इसकी आपको एक अच्छी बाय मिल जाए, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट देखो यहीं पर घूम रहा है, ना तो मार्केट ने नीचे ब्रेक किया और ना मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, एक जगह तो ब्रेक होनी चाहिए कि नहीं, या तो ऊपर ब्रेक हो या नीचे ब्रेक हो, कहीं तो ब्रेक हो कि नहीं बताए। हाँ या ना? यस और नो बताए, होगा कहीं तो ब्रेक होगी नहीं बता। तो ऐसे टाइम पर, ऐसे टाइम पर कॉफी बनाने का टाइम है या नहीं है? जी सर, ये तो जब जब मार्केट में काम करते हैं तो मार्केट में आराम से ही काम करना होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगता कब मैं ट्रेड लेके चल रहा होता हूँ, राइट? नहीं पता होता, ये मैंने यहाँ पर रखा है, रखा है। अगर मार्केट में मेरे को कितने लॉट मेरे हैं, ये मेरे टोटल होंगे 10 लॉट, समझो 10 लॉट के साथ मेरे को काम करना है, ठीक है? और अगर 10 लॉट में से मेरे पास पैसा कितना पड़ा होगा, चलो ये भी देख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, मैं इसमें कैसे काम करने वाला हूं इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां से देखता हूं, पैसे का मैनेजमेंट भी देख लीजिए क्या होगा मेरे पास। अगर मैं देखूंगा मेरे पास कितना पैसा भी पड़ा होगा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मेरे पास अंदाजन 3.5 लाख रुपए पड़े होंगे, 3,35,000 रुपए के आसपास ही पड़े होंगे, राइट? इनमें से मैं अभी कितना लॉट लिया, मैंने एक, अगर टाइम आएगा जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें 5-6 लाख रुपए 10 लाख रुपए और डाल देंगे, तो टोटल हमारा यूज होगा 10 लाख रुपीज। अब मैंने यहां से एक बाय कर दिया, एक बाय करके चुपचाप बैठ गया। मार्केट अगर ऊपर जाएगा ओके है, नहीं तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो हम इसे एडिंग शुरू कर देंगे, एवरेजिंग शुरू कर देंगे। इसलिए मैं बोलता हूं आपका पैसा एवरेजिंग के लिए होना ही चाहिए, राइट? एवरेजिंग के लिए पैसा होगा तो आपके फायदा रहेगा मार्केट के अंदर आपको। चलिए अभी चलते हैं, देखो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा, इस पर छोड़ा पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा हूं। अभी जो आएगा प्रॉफिट नुकसान जो होगा आपको सामने दिखेगा, अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो लॉस होगा। लेकिन मार्केट यहाँ पर अभी क्या कर रहा है बताएं, सपोर्ट ले रहा है या नीचे ब्रेक कर रहा है? कन्वर्जन लाइन, मतलब कन्वर्जन लाइन के ऊपर है या नीचे, ये बताए? ऊपर है, ऊपर है तो सपोर्ट है, ऊपर है तो मार्केट का सपोर्ट है। लेकिन गड़बड़ क्या है इस पूरे ट्रेड में, अभी गड़बड़ मार्केट ने अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया ना, ब्रेक नहीं किया अभी मार्केट ने। हम नहीं बोल सकते कि मार्केट का बाय आया, ठीक है मैं बाय ले रहा हूँ वो अलग पार्ट है, वो मेरा पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाय लिया तो आप भी बाय ले ले, आप अपने लेवल को पहचाने, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट रिस्क का बड़ा हो सकता है, समझिए इस पॉइंट को समझना। मैं 10 लॉट लेने के लिए रेडी हूं, राइट या रॉन्ग? रॉन्ग बताए, लेने मैं आपको ही बता रहा हूं ना, मैं 10 लॉट ले लूंगा, एवरेजिंग करते करते मैं 10 लॉट पे ले आऊंगा इसको,
लेकिन आप सोचो कि मेरा 10 लॉट का अगर नीचे डाउन का मैं वेट कर रहा हूं तो मेरा 10-20-30 हजार का स्टॉप लॉस होगा ना, जहां पर मैं इसे काटूंगा, एवरेजिंग चलेगी मेरी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप उस हिसाब से ना चल पाओ तो आपको छोटे में ही काटना पड़ जाए, ये ऐसे अनुभव होता है, हो सकता है ना। तो आप मेरे हिसाब से बाय मत ले, आप अपने हिसाब से, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना बाय उठाए, वो आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, आपका बाय यहां पर नहीं है, देखो ये रिस्क है, मैंने उठाया ठीक है, मैंने किसी और रीजन से उठाया यहां पर, लेकिन आपका बाय इसके ऊपर बनता है। अगर बाय ले लोगे भी तो इसके ऊपर बाय बनेगा आपका, उसके ऊपर आप बाय लेके आराम से एक बार को जा भी सकते हो। लेकिन अगर सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए, कंडीशन फुलफिल होने का मतलब देखो चीकू स्पैन धीरे धीरे आ रही है लेकिन अभी आई नहीं है कैंडल को क्रॉस करने के लिए। और आप सबसे अच्छा बाय का बनता है, सबसे अच्छा बाय आपका कन्वर्जन लाइन के कम से कम क्रॉस ओवर पे बनता है, और अभी बेस लाइन भी बहुत दूर है और आपकी कन्वर्जन लाइन भी बहुत दूर है। तो हमें चाहिए है कि हम अपना ऐसे टाइम पर अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके अपना हट जाए यहाँ से, क्योंकि मार्केट यहाँ से दोबारा से एक नीचे डाउन ले सकता है। अभी मार्केट ने आपने आपको बाय नहीं दिया, राइट, देख लेते मार्केट क्या करेगा। आप देखो मार्केट अपने सपोर्ट बना रहा है, इस चीज को भी जरा चेक करो, मार्केट देखो अपने सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको शायद ना पता लगे लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो मार्केट डाउन पे आया और मार्केट ने यहां रुका, यहां रुका। पहली बात तो मार्केट को जब डाउन पे आना होता है तो मार्केट सीधा देखो डाउन पे आता है, कोई सपोर्ट नहीं बनाता। अगर मार्केट को सपोर्ट बना रहा है इसका मतलब मार्केट वहां पर रुकने की कोशिश कर रहा है। अब कोशिश में मार्केट दोबारा से गिर भी सकता है या उठ भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। यहां पर जरा चेक करो, मार्केट ने अपना सपोर्ट बनाया, मार्केट ऊपर गया, यहां पर देखो डायरेक्ट ऊपर चला गया था, ये देख रहे हो, ये पर देख रहे हो, मार्केट यहां पर नीचे आया और मार्केट यहां पर डायरेक्ट ऊपर चला गया। देखो कोई मार्केट ने सपोर्ट नहीं बनाया था, लेकिन अब की बार मार्केट क्या कर रहा है जरा देखे, ये देखो मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाया पहला, मतलब ये नीचे आते हुए ये रेजिस्टेंस था और मार्केट ने अब रेजिस्टेंस के ऊपर यहां पर बैठ गया। तो मार्केट का कहां तक बाय हो सकता है जरा बता दे, मार्केट का सॉरी सपोर्ट कहां तक हो सकता है, यहां तक, ये सपोर्ट एरिया का काम करेगा मार्केट का, और मार्केट इसके ऊपर चल के अपनी बाय उठा देगा, राइट, चेक करें। हम सपोर्ट में मार्केट के, अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकल नीचे आ गया तो सेलिंग दे देगा वापस मार्केट, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल गया तो अब जरा यहां पर पॉइंट को चेक करना। देखो इसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है और अब यहां पर बेस लाइन क्या कर रही है, देखो नीचे आ गई सर, बेस लाइन ने अपना एक बेस लाइन की सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। बेस लाइन ऐसे सपोर्ट देती है, मार्केट में आपको पता है बाय कब होगा बेस लाइन के ऊपर, राइट, लेकिन बेस लाइन के ऊपर कब बाय होगा, जब मार्केट बेस लाइन नीचे आएगी तब तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जाने का तो बहुत लेट कर देगा मार्केट। तो बेस लाइन अब नीचे आएगी, बेस लाइन नीचे आने का मतलब ये हुआ कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, यस। यहां पर चेक करें भाई हमारा प्रॉफिट लॉस क्या होगा आपके सामने, ये देखो हटाया नहीं मैंने इसको भी, चाहे तो बुक भी कर सकते थे, चाहो तो बुक भी कर सकते थे, चाहे तो हटा भी सकते थे। अब देखो मेरा टोटल लॉस कितना हो रहा है, अगर मैं देखता हूं तो मेरा लॉस 2400 का है, ये जो मैंने कॉल रखी भी और इसको मैंने हटाना नहीं है, दिसंबर में आराम से हटाएंगे इसको। और इस लॉस को मैं दो तरीके से कवर कर सकता हूँ, देखे जरा इस लॉस को मैं दो तरीके से कवर कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका, हालांकि ऑलरेडी मैं अपना लॉस कवर कर चुका हूं क्योंकि मैंने मार्केट से 20 ऑफ से अपने कितने पैसे निकाल दिए थे, 9700 रुपए, राइट, तो मैं लॉस में ऐसे भी नहीं हूं। पर अगर मान लो कि चलो मैं लॉस में हूं, 2400 के मैं नुकसान में हूं, तो इसका मतलब मैं निफ्टी या किसी और से इसको कवर कर सकता हूं या नहीं, कर सकते हैं आराम से। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक छोटा सा काम यही कर रहा हूं कि अभी देखो पीएनबी में मैंने कितने पैसे निकाले, अभी अराउंड 1000 रुपीज चल ही रहे वो निकले, और यहां से अगर मैं 500 रुपए निकाल देता हूं या 1000 रुपए निकाल देता हूं यहां से, तो मेरे 2000 रुपए ये वाले लॉस के भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे, समझे। ऐसे भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो।
अब मार्केट यहाँ पर कर क्या रहा है, जरा इस पॉइंट को भी चेक कर ले। मैं लॉस दिखाता रहता हूँ, मैं नई बात नहीं है, मार्केट लॉस लॉस मार्केट का एक पार्ट है और वो दिखाना चाहिए, सामने से दिखाना चाहिए। आपने प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाते रहे तो क्या दिखाया, क्यों लॉस दिखाओगे? तब तो अगले को समझ में आएगा कि हाँ, नहीं तो लोग सपने देखना शुरू कर देते हैं, समझे? अगर मैं आपको यहीं पर ही 50,000 के प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? क्यों पंकज जी, क्या होगा बताएं? आप तो आपके दिमाग में बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट घूमेगा, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन अगर आप 50 दिखाएंगे, हम लाख नुकसान करेंगे। हाँ, मेरी बात समझे ना, यही तो कहानी है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं आपको लॉस दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर का भी लॉस हो सकता है, राइट? यस सर। पहला पॉइंट कि भाई सर पढ़ा रहे हैं हमें, भाई इतने एक्सपीरियंस है, सर का भी लॉस है, इसका मतलब मार्केट में लॉस तो होता है। सर का भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब लॉस तो है। मैं मार्केट को बुक भी कर सकता था, जब 500 रुपए थे आराम से बुक भी कर सकता था मैं, मगर मैं करता नहीं बुक, उसको छोड़े रहने देते। मार्केट को जितना आप नेगेटिव की तरफ जाओगे ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपको उतना मजा आएगा, ठीक है? उतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, इसलिए मैं बुक ही नहीं करता, ठीक है? अपना एक लेवल है, उस पे जाके बुक करेंगे तो करेंगे, नहीं तो पड़े रह देंगे इसको। तो पहली बात आपको ये समझ, देखो ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस अच्छे से। अब मार्केट दोबारा उतना ही नीचे आ सकता है, उतना नीचे दोबारा आ सकता है मार्केट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। आप बताएं ये ब्रेक होना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है ब्रेक होना। अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर मार्केट इशू करेगा, मार्केट फिर से नीचे आ जाएगा, उतना ही नीचे आ जाएगा जितना ऊपर चला है। तो ये ब्रेक मार्केट ने ठीक है एक सपोर्ट बनाया, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट का एक ब्रेक होना बहुत जरूरी है। और ब्रेक होगा तो मार्केट कम से कम क्लाउड के कम से कम यहां तक तो चला ही जाएगा, तो आपको लगभग 18,300 के आसपास तक का एक लेवल मिल जाएगा यहाँ, ठीक है? तो आपको पहला क्या पता लगता है यहाँ पर? पहला पता लगता है कि भाई अगर मेरा भी लॉस हो रहा है तो आपका भी हो सकता है, आप उससे अलग नहीं हो। और अगर आप 5 साल एक्सपीरियंस के बाद भी लॉस कर सकते हैं तो सोचो आप 1 महीने बाद क्या करोगे, लॉस तो नहीं सकते हो। यस, सही है, ज्यादा लॉस ले सकते हो। तो इसलिए हमेशा लॉस को थोड़ा मैनेज करें और देखें कि मार्केट को कैसे काम करना है और उसको लॉस को मैनेज करने की कोशिश करें, ठीक है? कितना लॉस होगा? हाँ जी, डे टाइम फ्रेम में निफ्टी में मेरे हिसाब से 18,090 तक आ सकता है, ये सही है कि नहीं एक बार देखो। मार्केट देखो, ये मार्केट का सपोर्ट एरिया, यहां से ध्यान से एक बार चेक करना, मार्केट का वीक में दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा बड़ा, मार्केट का सपोर्ट एरिया ढूंढो, मार्केट का सपोर्ट एरिया कौन सा है, उस सपोर्ट एरिया पे मार्केट को रुकना चाहिए। अगर उसके नीचे आ गया तो मार्केट बहुत बड़े दिक्कत में आ जाएगा। आप देखो आपको कौन से सपोर्ट एरिया दिख रहे हैं बताएं? आप जरा मेरे को बताएं मार्केट दो जगह मार्केट को मार्क कर रही है। एक मार्केट की मार्किंग में कर रहा हूं नीचे की, ध्यान से चेक करना, एक मार्किंग मैंने करी है नीचे की, नीचे की कौन सी, ये वाली ना, हाँ। ये रेजिस्टेंस, और एक ऊपर भी मैंने मार्क किया, ऊपर का ये रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया ना, ध्यान से चेक करते रहना, मैं बस आपको बता रहा हूं। मार्केट में ये देखो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट नीचे, ये देखो, इसका मतलब जरा पॉइंट समझना, मैं पॉइंट समझा रहा हूं केवल आपको। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया और मार्केट किस सपोर्ट पे बैठा है, देख रहे हो? यही हुआ सर। अब इसका मतलब जरा पॉइंट समझना, मार्केट अगर शाम तक इसको बैक मार गया इसके ऊपर तो क्या मतलब हुआ, सपोर्ट ले गया पूरा, पूरा सपोर्ट ले गया, फिर मार्केट ऊपर चलेगा। अब मार्केट को इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, मार्केट को इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इसके नीचे बड़ा डाउन है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मार्केट अगर सही में बाय में है तो मार्केट को वहां पर नहीं निकलना चाहिए, मार्केट का इशू है वहां पर। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि मार्केट यहां से सपोर्ट पकड़ ले। देखते हैं, मार्केट ने लास्ट टाइम भी ऐसी बड़ी कैंडल यहां पर डाली थी और उसके बाद एक सपोर्ट लेके गैप अप लेके चला गया। देखते हैं मार्केट क्या करेगा, हमें भी नहीं पता। मार्केट यहाँ पर देखो, जरा
एक घंटे में चेक करो मार्केट कर क्या रहा है, जरा प्लीज बताए मेरे को ये क्या है, जल्दी से बताए। पांच मिनट छोड़ देते हैं, क्या इंडिसिशन मूड में है, नीचे से क्या कर रहा है, नीचे रिजेक्शन, बायर का प्रेशर है, बायर का प्रेशर बन रहा है। देखने ये बायर का प्रेशर होता है, घंटे भर में दिखा रहा हूँ मैं आपको बायर का प्रेशर। ये यहाँ से अब मार्केट चलेगा ऊपर की तरफ को, और मार्केट का ऊपर की तरफ चलना कहाँ तक होगा, मार्केट का ऊपर की तरफ चलना होगा यहाँ तक, ये देख रहे हो 250 के आसपास तक। तो ये मार्केट का सपोर्ट एरिया बन गया। अब सपोर्ट एरिया मेरे को कौन से टाइम फ्रेम में दिखा ये भी बता दे, कौन से टाइम फ्रेम में, एक घंटे में ना। जी सर देख रहे। अब मार्केट यहाँ से सबसे पहले क्या करेगा, कौन सा लेवल मार्केट का टारगेट लेवल होगा देखते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ मार्केट ने अपना सपोर्ट पकड़ा तो ये मेरा टारगेट है ना पहला 18190 का। देखिए मार्केट मार्क कर देता हूं मैं इसको, मार्क कर देते मेरा मार्केट का एरिया, मेरा पहला टारगेट ये रहा है, और उसके बाद 50% इसका दूसरा टारगेट है, यहाँ इसका दूसरा टारगेट बनेगा। दो टारगेट मेरे पास आगे सामने आ रहे हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। देखते हैं अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट में वापस करता हूं तो देखो मार्केट ने क्या किया, इसका मतलब मार्केट इसे ब्रेक करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट इसे ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, यस आप बताए। हाँ ये ना क्रॉस होना चाहिए सर, ये करेगा सर, करेगा सर, करेगा। अब मैंने एक टारगेट लगा हुआ है, मैं इसे हटा देता हूँ इससे पहले कि ले जाए। निफ्टी दिसंबर 300 का मैंने कैंसिल कर देता हूँ इसे, ठीक है। अभी चल रहा है देखो, मैंने असल में एक टारगेट लगाया हुआ था तो मैं नहीं चाहता उसको मैं लूं। मार्केट यहाँ से ऊपर चलेगा तो मार्केट का ये टारगेट है, ये वाला टारगेट, ये टारगेट मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो लगभग ये चलेगा 212, और अगर मैं इसको दिसंबर फॉर्मेट में देखता हूँ तो एक मिनट, दिसंबर में मेरे पास आएगा ये 338, राइट। अब देखिए मार्केट, देखो हम मैं प्राइस सेक्शन पे काम कर रहा हूँ, कोई ऐसा अलग से इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो मार्केट पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताए, आपके सामने ही है, दे रहा है पैसे, मना नहीं कर रहा ना। अब देखो मेरा लॉस कितना है, लॉस फिर भी मैं हटा नहीं रहा हूँ ऐसे अपने ट्रेड को। ये देखो मार्केट में 2400 का लॉस देके बैठा है, उसमें से 1000 रुपए मैंने पीएनबी से निकाल लिए और लगभग 1000 रुपए इससे निकाल दूंगा, राइट। लेकिन अगर मैं इससे 1500 निकाल दूं, आप बताए अगर मैं इससे 1500 निकाल दूं तो क्या होगा, तो मेरा पूरा लॉस कवर हो गया ना। इसका मतलब मेरा 1500 कहां पर आता है, अब इसको भी चेक कर लेते। मैं इसको लगभग इतने पे चल रहा है और मैं इसे एग्जिट कर देता हूं 315 पे, राइट, लगभग, ठीक है 320 पे कर लेते हैं, चलो देखते हैं इसको 320 पे मैं कर देता हूं। 320 पे मैं लिमिट लगा के छोड़ दी, हटेगा वहीं से हट जाएगा, ठीक है, चलते रहने देते हैं। अब ये मार्केट अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ऊपर जाने में, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में मार्केट टाइम ले रहा है। देखो देखो ये रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखो ये अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, इसको ब्रेक होना चाहिए मगर हो नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। जी सर, मार्केट का सपोर्ट ऐसे ढूंढा जाता है कि मार्केट ये सपोर्ट ले रहा है, और अगर मार्केट नीचे आएगा तो अब कहां तक आएगा, अगर नीचे आता है मार्केट तो मार्केट इस पॉइंट तक, ये पॉइंट पे सपोर्ट लेने आ सकता है, हो सकता है माथा पे नीचे कैंडल डाल के फिर से मार्केट ऊपर चला जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये आपने देखा कि भाई काम कैसे करना है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट नीचे आ रहा है एकदम से नहीं हमें उसमें सेलिंग कर देनी है और बाइंग भी एकदम से नहीं करनी, सपोर्ट एरिया बनेगा तो सपोर्ट एरिया के साथ में बाय करें। अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो इसके टारगेट्स कौन कौन से आज के लिए टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं, निफ्टी 50 के, राइट। निफ्टी 50 कहां से गिरा है बताए, यस गिरा कहां से, ये गिरा है यहां से, राइट। और ये लेवल कौन सा है, ये लगभग 325 का लेवल है जहां से निफ्टी गिरा है। अब जरा पॉइंट को समझना, छोटा सा पॉइंट और समझा देता हूं।
यहां से अगर मैं इसकी फिबोनैकी लगाता हूं तो मेरी फिबोनैकी कहां तक काम करेगी, कौन से लेवल तक मार्केट जा सकता है ये बता दे। यस 61 तक 50 या 61 50 लगा लेते हैं, चलो 50 लगा लेते हैं। तो मार्केट को मैं यहां से पकड़ता हूं और मार्केट को यहां तक ले आते नीचे तक, ठीक है। तो मार्केट कौन से लेवल पर अभी रेजिस्टेंस पकड़ रहा है, चलो इसको भी एक ऐसे या एक मिनट मैं इसको ऐसे नहीं करके इसके बाकी सारे लेवल भी ले लेता हूँ आपके लिए, वो अच्छे काम में आएंगे। 78 भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर से लगाया मैंने इसको और नीचे पकड़ लिया, ये रहा। ठीक है, ये लेवल आ गया। अब जरा बताएं मार्केट कौन से लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है। 23 इसको हटा देता हूं। 23 यस 23 लेवल पर स्ट्रगल कर रहा है, और मार्केट अगर यहां से स्ट्रगल करके इसके ऊपर निकलता है तो इसके लेवल कौन से होंगे, मेरे को टारगेट कहां लगाना चाहिए। 38 इसको भी हटा देता हूं मैं। तो अब मेरा टारगेट कौन सा होना चाहिए देख लेते हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर गया तो मेरा टारगेट होना चाहिए ये टारगेट है, और ये कितना आ रहा है 18182 और 18 कितना आता है ये 18216 216 पे मेरा टारगेट आता है। और मार्केट यहां पर अगर टाइम स्पेंड करेगा, अब तीसरा केस, मार्केट ने पहली बार इस पर गया और देखो डायरेक्ट शूट कर गया नीचे, कर गया नहीं रुका वहां पर। अगर मार्केट यहां पर रुक जाता है, दो तीन कैंडल रोक लेता है ऐसे करके, तो ये इसको ब्रेक करने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे इसके, राइट है, मैक्सिमम चांस। तो अब अगर दो तीन कैंडल यहां रुक जाए या फिर एक ही कैंडल ब्रेक कर जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, दोनों केस में बहुत अच्छा होगा। अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट यहां करता क्या है। ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा एसएल इसके नीचे, एसएल इसके नीचे और मेरा ब्रेकआउट इसके ऊपर। अब देखो मार्केट यहां पर ट्राई कर रहा है, देखो कैंडल देख रहे, टाइम स्पेंड शुरू कर दिया मार्केट ने, दोनों का क्रॉस ओवर आ गया, बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों क्रॉस ओवर आ गया 5 मिनट में। चलो इसको भी लगा लेते हैं। अब देखो ये आपको ये मार्केट क्या कर रहा था ये भी चीज समझा देता हूं। यहां पर जरा पॉइंट को चेक करना, ये आ गया। अब जरा यहां पर पॉइंट को चेक करो, मार्केट ने ये टाइम स्पेंड क्यों किया जरा बताए, इस टाइम से इस टाइम तक टाइम स्पेंड क्यों किया मार्केट ने, इस बेस लाइन को नीचे लाने के लिए ना। जी सर, देखिए आपका ऐसा, अच्छा मेरे को एक बार बताओ, यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक क्या बहुत बड़ा कोई मूवमेंट हो गया जिसकी वजह से बेस लाइन नीचे आ गई? नहीं ना, नहीं कोई ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ ना, केवल इसलिए कि मार्केट की जब तक बेस लाइन नीचे नहीं आएगी और मार्केट बेस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाय नहीं बनेगा ना प्रॉपर। केवल इस रीजन से बेस लाइन को नीचे लाने के लिए मार्केट यहां पर कम से कम 20 मिनट काम का एक जगह घूमता रहा। अब मार्केट का अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि मार्केट अगली कैंडल कहां खोलेगा 23 के ऊपर और इसका क्रॉसओवर आ जाएगा राइट, और ये आपके पास आ गई ये क्या नाम कैंडल के पास में, क्लियर हो गया सब कुछ। अब बाय का सीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताएं। लेकिन सर क्लाउड बैंक निफ्टी में आ गए सर। देखो अब जरा क्लाउड का फॉर्मेशन देख लो, क्लाउड आपको गड़बड़ कर रहा है अभी, कर रहा है। अब जरा इसको क्लाउड को समझो, क्लाउड आपके पास क्या करेगा जरा पॉइंट को, क्लाउड को भी समझो। जब पहले इसका क्रॉसओवर आ जाएगा ना, जब इसका क्रॉसओवर आ जाएगा उसके बाद जब कैंडल ऊपर चलेगी तो यहां से क्रॉसओवर से और आपके क्लाउड तक इसके बीच में ये क्लाउड ग्रीन होता है राइट। आधे लोगों को ये भी शक होता है कब ग्रीन होगा, कब टिल्ड होगा, ये अभी टिल्ड नहीं होगा, अभी यहीं पर ही रहेगा ये। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो इसका स्पैन भी ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये यहां से क्रॉसओवर करने के बाद क्लाउड के बीच में कहीं पर भी ये अपने को ग्रीन कर देगा, ठीक है। मतलब अगली जो कैंडल अगर इसके ऊपर खुलती है उस केस में ये जो आपको स्पैन भी दिख रहा है ये यहां आ जाना चाहिए राइट, इसके ऊपर ये इसका अगले मिनट की वर्कआउट होगा।
सर बैंक निफ्टी लेकिन आज की ओपनिंग के पास पहुंच गया तो रिजेक्शन नहीं लेगा वहां से? देख लेते हैं, बिल्कुल ले सकता है। चलो बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं इसी को, इसी जगह बैंक निफ्टी भी लगा देता हूँ, ठीक है, निफ्टी बैंक भी। लेकिन अच्छा बताइए, अभी मार्केट बियरिश है मगर हम बियरिश नहीं हो रहे, देख लेते हैं इसको। अब मार्केट ने वीक टाइम फ्रेम में पहली बात तो एक इनसाइड बार बनाया हुआ है, चलो कोई इशू नहीं है। अब जरा मैं इसको यहाँ पर 5 मिनट में देखने की कोशिश करता हूँ। मार्केट देखो कर क्या रहे, यस जल्दी से क्रॉसओवर आ गया, इसका क्रॉसओवर आ चुका, लेकिन क्रॉसओवर में दिक्कत है। क्या दिक्कत है बताएं, क्रॉसओवर में दिक्कत है, कोई बता सकता है क्या दिक्कत है? डाउनवर्ड है, बेसलाइन से नीचे झुकी हुई है ना। आप देखो स्पैन इसका, ये जो आपका बेसलाइन है ये आपका डाउन में है, देख रहे हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अच्छी बात, देखो अच्छी बात हमेशा जब किसी इंसान से मिलते हैं तो उसकी अच्छी बुरी बातें आपको पता कर लेनी चाहिए ना, फिर बुरी बातें छोड़ देनी चाहिए, अच्छी बातें रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर देखो इसमें अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि इसके बेसलाइन डाउन में जा रही है और कन्वर्जन लाइन फ्लैट है और क्लाउड अभी डाउन में ही है, ये इसकी बुरी बात है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मार्केट ने एन वेव सस्टेन करी हुई है, देख रहे, मार्केट ने एन वेव सस्टेन करी हुई है, मतलब यहां पर मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेगा इस जगह पर जहां मार्केट रुका हुआ है, देख रहे। और यहां से ऊपर इसके ऊपर जैसे ही मार्केट अभी चलेगा, मार्केट अभी यहां से ऊपर नहीं जाएगा, राइट, थोड़ा सा वेट कराएगा मार्केट, मार्केट 1 या 5 या 10 मिनट की और कैंडल डाल के मार्केट रेड से निकलेगा तो अच्छा है ना। आइए ना, आप बताइए कहां से निकलना चाहिए मार्केट को, ग्रीन से या रेड से? रेड से सर, रेड से, रेड से निकलना। इसका मतलब शायद मार्केट अभी 1 या 2 कैंडल और वेट कराएगा, हमें नहीं जाएगा यहां से ऊपर, 1 या 2 कैंडल मार्केट और साइडवेज घूमेगा और तब जाके जा सकता है। देखते हैं मार्केट करेगा क्या, हमें भी नहीं पता। यहाँ पर चिकन स्पैन क्या कर रही है अभी बता दे, मार्केट कैंडल को क्रॉस कर रही ना अभी, इसका मतलब एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, ध्यान से पॉइंट को चेक करना, एक बड़ी रैली एक्सपेक्टेड हो सकती है क्योंकि मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों को एक साथ क्रॉस करेगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ी बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे ऊपर के लिए, लेकिन मार्केट अभी देखते हैं करेगा क्या। यहाँ पर मार्केट 1 या 2 कैंडल अभी साइडवेज डालेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ये 1 या 2 या 3 कैंडल साइडवेज डाल दे इसी जगह पर, या हो सकता है नीचे भी आ जाए, कन्वर्जन लाइन तक नीचे भी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी है। पर अभी वेट करेंगे, बस वेट करना मैंने सबसे अच्छा है। सर ये निफ्टी बैंक में प्राइस एक्शन अच्छा नहीं बनता सर, इसका कोई रीजन है? निफ्टी बैंक का मूवमेंट तेज है ना, मेरी बात समझ रहे हो, निफ्टी बैंक का मूवमेंट तेज है। अब देखो जब तक दोनों के दोनों, देखो अब इसका क्रॉसओवर आया ना, अब क्रॉसओवर आया तो अब ये क्या करेगा, अब ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा, अभी वेट करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा। अभी क्रॉसओवर आया तो है मगर कैंडल पूरी सही से नहीं बनी, देखो ये क्रॉस हो जाना चाहिए, अभी आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर रोकता हूँ क्लास को, फिर बस अब चेक करते रहिए आराम से, आएगा तो इसमें ले लेना आप। सर एक मिनट, इसका बैंक निफ्टी का थोड़ा स्टॉप लॉस बताइए ना। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस अगर मैं देखूंगा तो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए इसके नीचे। सर एक डाउट था मेरा, अभी सिल्वर माइक्रो नवंबर वाला आपने बताया था 21st तक होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है ठीक है। अब मैं अगर दिसंबर का लेना चाहूँ तो दिसंबर का मेरे को दिख नहीं रहा सिल्वर माइक्रो, दिसंबर में 1 महीना और ज्यादा होगा, जनवरी का मिलेगा, ये 1 महीने बाद का ही चलेगा, ठीक है। साइकिल क्या रहती है सर, सर थोड़ा देखो आपको क्या दिखा रहा है, ये नवंबर है ना, नवंबर जी, इसके बाद दिसंबर भी दिखाएगा सीधा, ये देखो जनवरी भी नहीं है सीधा फरवरी है, और चेंज करे हुए इन्होंने। सर ये मेरे को समझ नहीं आ रही साइकिल क्या है, ये साइकिल इनका रहता है अलग अलग तरीका है इनका, सिल्वर में ऐसा रहता है, आप आराम से 2 महीने बाद का दे रहे हैं, बाय कर लो, उसमें क्या इशू है, करके रखो तो इसमें सर। लेकिन देखो सिल्वर को, सिल्वर को देखो यहाँ बाय मत करना, यहाँ बाय मत करना सिल्वर को,
मैं दिखा देता हूँ, सिल्वर को यहाँ पाए मत करना, सिल्वर को थोड़ा सा ऊपर आने दो, थोड़ा सा ऊपर का मतलब ये आपको दिख रहा है, 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम देख रहा हूं, तो देखो मार्केट का अभी सिनेरियो बाय का बना नहीं, ये एलवेव है ना, इसके ऊपर मतलब जब क्रॉसओवर आ जाए तब कम से कम बाय करना। ओके अभी मत करो, ठीक है। तो सर फेब वाला अगर फ्यूचर बाय करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हैं क्या हम? नहीं, थोड़ा प्राइस ज्यादा होगा इसका, प्राइस ज्यादा होगा। अगर मैं आप देखोगे नवंबर का प्राइस कितना चल रहा है, 60740 ना, राइट, ठीक है। और अगर मैं सिल्वर माइक्रो देखो फरवरी लेता हूँ 607, अब यहाँ पर इसका प्राइस देखो 60, ये देखो 62 आ गया ना, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस आएगा, ये प्रीमियम पे कर रहे हैं हम, प्रीमियम। लेकिन लेकिन वहां पर मार्केट मिल जाता है आपको, ठीक है, वही मिल जाएगा मार्केट आपको, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने नहीं है। हाँ जी, इसमें लिक्विडिटी तो रहेगी सर, अब लिक्विडिटी अब उसी में रहेगी, इसका तो खत्म होने वाला है, तो उसी में मिलेगी आपको लिक्विडिटी सारी, करेक्ट, राइट। हाँ जी, राइट, ओके, चलिए मैं रुकता हूँ क्लास को, ठीक है।